Look up! मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। चीख मत, नहीं मारूंगा। ए, तुम लोग मेरी माधुरी के मामा हो, हमारी शादी के वक्त आशीर्वाद देने के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा। ए, अभी अपने भाइयों को यहां से ले जाओ, दबाओ, जाओ जाओ। सुनो, जब अगली मर्तबा आओगे तो कफन साथ लेकर आना, तब शायद तकदीर साथ ना दे। दफा हो जाओ। हेलो भाई, सुबह सुबह मटके लेकर पानी भरने का इरादा है? आज हम फैसला करके ही जाएंगे। एमडीजी को भाग बुलाइए। बल्ब और स्विच के दरमियान फ्यूज की तरह हूँ मैं। तुम्हारी परेशानी क्या है मुझे बताओ, मैं जाकर मालकिन से बताता हूँ। मालिक और मजदूर के दरमियान दलाल की कोई जरूरत नहीं है। ए, अपने औकात में रहना सीख। चौकीदार, इन सबको बाहर निकाल दो। इतने लोगों को निकालेंगे, इतने सारे लोग हैं। चलो चलो बैठ जाओ। इस तरह शोर क्यों मचा रहे हैं? नमस्ते मालकिन। पानी के लिए सब लोग तड़प रहे हैं मैडम। नल में एक घंटे के लिए भी पानी नहीं आता। हम लोग आपके यहाँ मजदूरी करते हैं मैडम, हमें पानी दिलवाइए। तुम लोगों ने अपनी परेशानी मुझे बता दी, उसे कैसे हल करना है मैं सोचूंगी। अब तुम लोग जाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। हमने पानी मांगा और आपने हमारे लिए पानी मंगवा दिया। 100 साल जिए मैडम आप। ठहरो, ये पानी तुम्हारे लिए नहीं है, स्विमिंग पूल में भरने के लिए है। पीने के पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं और आपको तैरने के लिए पानी चाहिए। तुम लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए ना मैनेजर? हमारे स्विमिंग पूल से जो पानी निकाला है उसे इनकी कॉलोनी में भिजवा दो। वाह वाह, क्या नसीब पाया है। छोटी मालकिन और मालिक के नहाए हुए पानी पीने से छूत की बीमारी दूर हो जाती है और उसमें सितर की खुशबू भी आती है। अगर तुम्हें इतना ही नाज है तो दिन में 100 मर्तबा उससे नहा लो, लेकिन ऐसी गलत बात हरगिज ना करना। इससे हमारा क्या लेना देना है? टैंकरों को हमारे मोहल्ले में कैसे ले जाना हमें मालूम है। चलो, 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 चलो। कितनी देर हो गई पुलिस को भेजने में, वो लोग आ रहे हैं या नहीं? वरना कमिश्नर को फोन कर दूंगी। मम्मी, इन गरीबों की शिकायत क्यों कर रही हो? आई डोंट लाइक इट। गरीबों को हमेशा अपनी मुट्ठी में और जूती के नीचे दबा कर रखना चाहिए। यू आर मिसगाइडिंग माय मम्मी, आई डोंट लाइक इट। मामा जी, इससे कह दीजिए कि रुपयों से प्यार करें, गरीबों से नहीं। गरीबों से प्यार करने का मतलब है ऊपर वाले से प्यार करना। क्या कहा? मैंने भगवद गीता में पढ़ा था। भीख मांगने वाले को बुलाकर नौकरी दी तो हक की बात करने लगे तुम लोग। देखिए, हम लोगों ने तनख्वाह या बोनस की मांग नहीं की है, पीने के लिए सिर्फ पानी मांगा है। ये क्या जुर्म है? जुर्म है क्या? अच्छा, पानी चाहिए, ए, दे दो। घर पर हमला करने वालों को आखिर कैसे बख्श सकते हैं दरोगा साहब? मेरी बहू से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगी। जरूरत नहीं है, कह दीजिए कि जब तक मैं ना कहूँ किसी को ना बख्शे। सुनो, पोटा एक्ट के तहत इन सब का परमिट खारिज करवा दूँ क्या? कहीं पोटा हम पर ना लागू हो जाए। ज्यादा मत बोलिए मामा जी, आप अपना काम संभालिए। देखिए दरोगा साहब, माधुरी अभी तक उठी नहीं। छोटी मालकिन बैड कॉफी पी के कप का नहाने चली गई। बैड कॉफी नहीं, जुबान ठीक कर ले अपनी, बैड कॉफी जो भी हो काफी ही तो है। नहाने के लिए मतलब उसका दूसरा मतलब भी है, कहो स्नान करने गई है। मेरी बात ठीक है जी, तुम्हारी अकल घास चरने गई है। अच्छा ये बताओ, तुम नहाई हो या नहीं? माधुरी, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। हरिया, मेरे लिए ब्रेड टोस्ट ऑमलेट ले आओ, कम ऑन फास्ट। क्या है मॉम? वजन देखना है। हरिया, जानता हूँ ला रहा हूँ। व्हाट मॉम, हर हफ्ते वजन क्यों चेक करवाती हैं? पता नहीं वेइंग मशीन किसने बनाई है। बनाई किसने मालूम नहीं, लेकिन खरीदने वाली तुम्हारी मम्मी है। ये लो आया जी, आइए जी, चढ़कर दबाइए जी। कम ऑन। ओफो मॉम, अरे बाप रे बाप, पिछले हफ्ते 49 किलो की थी, इस हफ्ते 60 किलो की हो गई। व्हाट, एक हफ्ते में 1 किलो बढ़ गया? हरिया,
इसका वजन बड़ा तो जानते हो ना, मैं तुमसे सवाल करूंगी, आखिर खिला क्या रहे हो इसे तुम? हाँ, मैं जो खिलाता हूँ वही थोड़े ना ये खाती है। कॉलेज जाते वक्त आइस फ्रूटी खाती होंगी और लौटते वक्त स्वीट खाती होंगी। ये सब खाने से वजन नहीं बढ़ेगा तो क्या कद बढ़ेगा? माधुरी की डाइट को लेकर केयरलेस रहोगी तो नौकरी से निकाल दूंगी। मैं तन्हा कितने काम करूं? वो तो सुबह से शाम तक सिंगार ही करती रहती है, मदद हरगिज नहीं करती। एक और लड़के को आप रखती ही नहीं। हाँ, जो भी लड़का आता है तुझे देखकर भाग ही जाता है। सुनो, एक काम करो, गांव तो जा ही रहे हो, साथ में एक लड़के को लेकर आ जाओ। ऐसा लड़का लेकर आना जो हमारी बात अच्छी तरह से सुने। ये बात अंडरलाइन कर लेना, ऐसे वैसा भी हो तो कोई बात नहीं। फिर मैं चलता हूँ, खर्चे के लिए 200 रुपए दीजिए। 200 रुपए? बस में 50 रुपए ही तो लगते हैं। मामा जी, बोलो बेटी। इसे 100 रुपए देकर भेज दीजिए। अच्छा, हाय रब्बा, 100 रुपए दे दिए, कंजूस कहीं के। 100 रुपए में क्या होगा? बाप रे, 1000 रुपए का नोट। सूप कैसे बनता है मालूम है, ऑमलेट कैसे बनता है ये भी मालूम है, लेकिन ये लड़की इस घर में कैसे पैदा हुई ये नहीं मालूम। 100 साल जियो बेटी। ये क्या, इतने लोग खींच रहे फिर भी नंदी हिल नहीं रहा है? इसके लिए नसीब चाहिए, कभी कभी 1000 लोगों के खींचने से भी नहीं मतलब हिलता। मतलब हमारे गांव में नंदी को खींचने वाला कोई मर्द है ही नहीं क्या? तो पड़ोस वाले गांव से क्यों नहीं बुला लेते? मैं खींचूंगा। अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे और चले हैं नंदी खींचने। हेलो, मालूम है शिव धनुष को राम ने इसी उम्र में तोड़ा था, मेरे दादाजी कहते हैं। तुम बाजू हट जाओ। तुम सब हटो, मैं खींचता हूँ। क्यों भाई, मजाक कर रहे हो? नहीं, उस परमेश्वर का सत्कार कर रहा हूँ, उनके नंदी को उनके पास ले जाऊंगा। हर हर महादेव। मुझे नहीं मालूम, लेकिन नई मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए पूरे गांव ने जोर लगाया तो भी ये नंदी नहीं हिले थे। बेटा, बड़ी किस्मत वाले हो। तुम्हारा नाम क्या है? असली नाम तो राम है जी, गांव के लोग मुझे प्यार से रामू कहते हैं। मेरे दादाजी मुझे अग्निपुत्र कहते हैं, मुझमें आग थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ए छोकरे, देखने में तो भीम जैसे लगते हो, यहाँ क्यों आए हो? काम की तलाश में आया हूँ, हर गाँव मेरा ही तो है। तुम्हें काम मैं दिलाऊंगा, चलोगे? वाह, त्योहार के रोज मिठाई जैसी बात कही। चलो, मुंह लाल कर देते हैं। हाय दैया, बापरे, इसे होशियार रहना होगा। कोलकाता का पान, बनारस का पान, आ जाओ ले लो। कोलकाता का पान, बनारस का पान। मुझे भी पत्ते देना। सारे पत्ते तो पक गए हैं, कोई भी खाने लायक नहीं है। ये क्या है भाई? 2 रुपए है भाई। मालूम है भाई, 2 रुपए में पान नहीं आता है। किस स्टेट के हो तुम? कोलकाता का पान बेचता हूँ, लेकिन हूँ यहीं का। यहाँ का होकर क्या बकवास कर रहा है बे? इस राज्य के एक अजीम शख्स ने 2 रुपए में 1 किलो चावल देकर भूखों की भूख मिटाई थी। उनका दिया हुआ खाना खाकर बाद में खाने वाला पान 2 रुपए में नहीं आता। ये बात अगर उन्हें मालूम हुई तो वो खुद ऊपर से नीचे आकर तुम्हारी इतनी पिटाई करेंगे कि तुम्हें शहर को छोड़कर भाग जाओगे। अब भूल गया था भाई, देवता थे वो तो। नमस्कार। ये क्या भाई, इतने सारे छेद, इसे कोई अकलमंद लेगा क्या? इस पत्ते को देख रहे हो भाई, जैसा पत्ता तुमने दिया वैसा ही नोट मिलेगा। ये तो नहले पे दहला निकला, देख लूंगा इसे। क्यों, अकल ठिकाने नहीं आई? कोलकाता का पान, पास आओ, पान पान पान, कोलकाता का पान। अकाउंट्स कुछ ठीक नहीं लग रहा मामा जी। ये तुमने क्या कह दिया? मैं तुम्हारी माँ का सगा भाई हूँ, यानी कि तुम्हारा मामा हूँ। रंग काला है लेकिन फितरत काली नहीं है बेटी। फर्श भी चिकना है, संभल के। हाँ, नमस्ते मैडम। कौन है? नया नौकर है, 100 लोगों ने मिलकर नंदी को खींचा फिर भी नहीं रहा, फिर इसने खींचा। छोकरे में बहुत दम है इसलिए ले आया। अरे बाप रे, कोई मेरी हिफाजत करो। अरे बचाओ। नहीं, अरे ये कहां से पीछे पड़ गया। अरे कोई बचाओ।
अरे छोड़िए जनाब, ये बात आपको मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन उसे तो नहीं मालूम ना। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे संभल कर, ये ले तू। अरे दादाजी दादाजी, माजी माजी माजी, अरे कहाँ गया, बचाइए बचाइए, हिफाजत कीजिए कोई तो मालकिन। बच गया। एक डॉग से इतना डरते हो तो काम कैसे करोगे तुम? मालकिन, मेरी और कुत्तों की जरा बनती नहीं है। ये हाथ देखा, ये मामूली हाथ नहीं है, किसी को इस हाथ का झटका लगा तो दुनिया नजर आ जाएगी। अब इस बेचारे कुत्ते पर क्या अपनी ताकत आजमाऊं? अच्छा, कितनी ताकत है तेरे हाथ में? झटका लगे तो मालूम होगा ना। हमारे मैनेजर को मारो तो जानू। मुझे क्यों, तुम मर्द नहीं हो? मुझे लगता है डर गया, छोड़ दो। मुझे कैसा डर, मारो। ये निहायती अहमक है, मार खाने को राजी है। ये पैदाइशी ऐसा है, थोड़ा ढीला है। ओहो, पैदाइशी आदत है। जय बजरंग बली के। अरे रे रे रे, ये क्या, हमारे मैनेजर को इसने पस्त कर दिया। मैं क्या करूं, उसने खुद कहा था मारने के लिए, मुंह पर पानी का छींटा मार दीजिए, खुद ही उठ जाएगा। रुको 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 रुको, ये क्या, एक बोरी को चार लोग ले जा रहे हो? गेहूं की बोरी है, यहाँ गेहूं की बोरी को चार लोग उठाते हैं? अबे तुम लोग गेहूं खाते हो या घास खाते हो, उतारो। ए हट जाओ तुम लोग। जय बजरंग बली। बाप रे, किस चक्की का आटा खा के जिस्म बनाया, इतनी आसानी से उठा लिया। कहाँ रखना है, चल आजा। तुमने जैसा नौकर चाहा था वैसा नौकर मिल गया, रख लो काम पे रख लो। तुम्हें तनख्वाह कितनी चाहिए? जी नहीं, तीन वक्त का खाना। क्यों, तीन वक्त पेट भरना है? आप भी तो तीन वक्त का काम करवाते हैं ना। सैलरी कितनी चाहिए? 3,000? नहीं नहीं, सिर्फ 300 रुपए दे दीजिए। महीने के? नहीं नहीं मालकिन, सालाना। बेचारा मालूम होता हिसाब नहीं जानता, उसे 3,000 चाहिए। खामोश रहेंगे। मॉम, मॉम। क्यों रे, इतना गुरूर है तुझे, मालकिन को मम्मी कहती है तेरी। इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, झटका लग गया। मैंने कहा था ना बाबूजी, मेरे हाथों में करंट है, अभी मैंने पॉजिटिव लगा दिया है इसलिए इस तरह अकड़ गई है। नेगेटिव लगा दूंगा तो रिलीज हो जाएगी। बगैर देरी के नेगेटिव लगा दो भाई। बाप रे, जानते हो ये कौन है? नौकरानी। बेवकूफ, ये मेरी बेटी है। क्या? मजाक मत कीजिए, ये आपकी बेटी हो ही नहीं सकती, आपकी छोटी बहन लगती है। इस बात को कोई समझता ही नहीं, ये मेरी बेटी है। जल्दी शादी, जल्दी पैदाइश। मैं ब्यूटी पार्लर जाकर दुबली हो गई, लेकिन ये आइसक्रीम पार्लर जाकर मोटी हो गई। मॉम, ये बात आप इससे क्यों कह रही हैं? इसे तो जरा भी तहजीब नहीं है, कौन है ये? कहा ना नौकर है, मार खा के पड़ा रहने वाला चाहिए था ना, इसीलिए ले आया। हमारी मार बर्दाश्त करने वाला चाहिए, ना कि हमें मारने वाला। मैंने जानबूझकर नहीं मारा मालकिन, मेरे दादा ने यहाँ आने से पहले कहा था, देखो मेरे पोते, तुमसे कोई टक्कर ले नहीं सकता, बात बात पर जय बजरंग बली कहकर मारते हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं चलता हूँ। अरे रुको भाई, मैं चलता हूँ। सुनो, गबरू जवान है, काम का आदमी है, उसे वापस भेज रही हो तुम। ए, रुको, सारे घर का काम करना पड़ेगा, कर पाओगे? घर का काम, बाहर का काम, अंदर का काम, सब मैं करूँगा, चाहे काम जैसा भी हो मैं हंसते गाते पूरा करूँगा। तुम्हें नाचना बजाना आता है? नाचता भी हूँ, क्यों आजमाना चाहती हो? मुझे एक बढ़िया सा फोक सॉन्ग सिखाओगे? किस लिए? मैं कॉलेज में ड्रेस कॉम्पिटिशन में शरीक हो रही हूँ, ये उसी का लिबास है, मैं और मेरे दोस्त 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस सेट ही नहीं हो रहा, तुम सिखाओगे क्या? ऐसा सिखाऊंगा, खिताब नहीं जीता तो नौकरी से बर्खास्त कर देना। ठीक है भाई, जरा गाओ, मेरी बेटी सीख लेगी। देखा मेरी बेटी को, कितना बड़ा कप जीत कर आई है, और आप है, अभी तक कुछ नहीं जीत कर दिखाया। कभी खेलने दिया हो तब तो कुछ जीतूं। रामू, ये तुम्हारा है। नहीं नहीं नहीं, इसे आपने जीता है। जिताने वाले तो तुम ही हो, इसीलिए ये कप मेरा नहीं तुम्हारा है। शुक्रिया। अरे हाथ छोड़ो। मालकिन, पकड़ने वाली आपकी बेटी है, हिलाने वाली आपकी बेटी है, छोड़ना भी आपकी बेटी को ही है। हाथ छोड़ो। व्हाट मॉम, इसकी वजह से ही तो मैंने ये खिताब जीता है, इसे मत डांटिए, ये मासूम है। मॉम, इसे कुछ दे दीजिए ना। ओके, बाय। ए,
चल तुम्हें कुछ दे देती हूँ। बहुत खूब, कितने हजार? ऊपर से कुछ। ऊपर से कुछ क्या कहा? हाँ हाँ ऊपर से कुछ कहा। ये मेरी तरह असली सोने का है ना? अरे सोने का नहीं, सोने का पानी चढ़ाया गया है। क्या? पानी? अरे वही रे, तुम्हारी मालकिन जैसे क्रीम पाउडर लगाती है बिल्कुल वैसे ही। 24 घंटे हो गए जबान खोले। तुम खूबसूरत हो, जवान हो मालूम है, लेकिन कल तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। समझ गए तो ठीक है। हरिया हरिया ए हरिया 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 को हीरिये नहीं बुला सकते? तुम्हारी फिगर के हिसाब से ऐसा बुलाना वाजिब नहीं होगा। ले सिलेंडर पकड़। ओए मां मरिया भगवान, सब लोग सिलेंडर फटने से मरते हैं, मैं तो इसके नीचे दब के मर गया। ए रामू जी, यहां आओ। जी अभी आया। कहिए क्या बात है? कौन से जिम में कसरत करते थे? क्या जिम? क्यों, ये जिम की बॉडी नहीं है? ये जिम की बॉडी नहीं है, मेरे बाबूजी की दी हुई बॉडी है। वाह, बाबूजी की दी बॉडी इतनी ताकतवर है? माधुरी मॉम देखो ना, रामू कितना ताकतवर है। एक्सरसाइज बहुत हो गई, अब तुम अंदर जाओ। ठीक है। अभी मिला था, मिलने के बाद एक मिनट की देरी भी नहीं करता है, ये आपको मालूम है ना? एक मिनट एक मिनट। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो बैठो। अगर वो कुर्सी पर है तो मुझे कुर्सी नहीं चाहिए है? अरे सरकार चलानी है या नहीं, उन्हीं से पूछ लो। फिर से उसने फोन किया तो मुझे कनेक्शन मत देना। हाँ, समझ गया ना? तो फरमाइए परमेश्वर राव जी, क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं सिर्फ साथ में आया हूँ, मेरी बीवी है ये। क्या बात है, कोई परेशानी? परसों एक दावत में आपके बेटे को देखा था, हमारी माधुरी और उसकी जोड़ी खूब जमेगी, उसी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। मेरा बेटा आपको पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी बेटी को मेरा बेटा पसंद करता है ना? हाँ, आपको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, हमारी बेटी को अगर भेजेंगे तो मिस इंडिया में अव्वल आएगी। आपका एक पावा प्रोजेक्ट पेंडिंग में है ना शायद? जी हाँ। आप अभी पावा प्रोजेक्ट के लिए आई हैं या बेटी के बारे में बात कर रहे हैं? वो भी एक वजह है। यही असली वजह है, मैं सूरत नहीं देखता सीरत देखता हूँ। पीने के लिए पानी मांगा तो कामगारों की कारखाने में पिटाई करवा दी, इसलिए अब वो स्ट्राइक कर रहे हैं ना। यही सोच रहे हैं कि इन्हें कैसे मालूम हुआ। सियासतदान अपनी सेहत से पहले बगल वाले की सेहत कैसी है ये वो देखता है, अपना वेल बगल वाले के वेल से कितना कटुआ ये जान लेता है। एक बात सुनी होगी, शिव की 3 आंखें हैं तो हमारी 3000 हैं भाई। उस नए कारखाने की बात तो बाद में, पहले जो कारखाना है उसे बचा लीजिए मोहतरमा। यानी मेरी बीवी ने जो पावर प्रोजेक्ट का जिक्र किया उसे छोड़ दे? ऊपर वाला इंसान को 100 साल की उम्र देता है तो वोटर हमें 5 साल की ही उम्र देते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों लोग कतार में खड़े हैं। मगर हमारी बेटी की शादी की बात, इस वक्त मेरे बेटे की बोली 25 करोड़ की है, आप अपनी सारी जायदाद बेचोगे तो हमें भी। इजाजत दीजिए। ये नाराजगी कारखाने के कामगारों को दिखाइएगा, जाइए। मार पड़ रही है, चलो नजदीक जाकर देखते हैं क्या तमाशा है, चलो हम भी कुछ करते हैं, चलो चलो। हम अपना हक लेके रहेंगे। तेरी ये जुर्रत, पुलिस से खौफ नहीं है तुझे? लाठी पकड़ेगा। खौफ? हमारे घर की कुतिया भी खौफ का नाम नहीं जानती। नहीं छोड़ोगे तो लाठी टूटेगी। इस तरह लाठी तोड़ दी तुझे तो? रहने दीजिए, नहीं तो बेल्ट टूट जाएगा आपका। ये है हमारी ताकत जनाब, जब गरीबों को गिरफ्तार करने में हमारे लोग इतना जोश दिखा रहे हैं, अगर गोली चली तो जय बजरंग बली बोल देंगे, फिर सोच लीजिए क्या होगा। जनाब मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है। चामुंडेश्वरी। ठहरो, मैं अभी आप ही की तरह एक मजदूर हूँ, अभी अभी काम पर लगा हूँ, अगर मुझे एक मौका मिला तो आपका मामला मालकिन से बात करके हल करा दूंगा। ठीक है करो। मालकिन जी, पानी की परेशानी को लेकर ये लोग जेल तक हो आए हैं, थोड़ी देर और खामोश रहेंगी तो पुलिस वाले फायरिंग शुरू कर देंगे। फर्ज कीजिए अगर 2-3 मर गए तो कल सुबह ऑपोजिशन वाले असेंबली में हंगामा कर देंगे, बस तब तो आपका कारखाना बंद, ये आपको अच्छा लगेगा? ये बात नहीं है, मेरे पास काम करने वाले मुझ पर ही हमला कर रहे हैं।
ओफो, रहम कीजिएगा तो पैर पकड़ेंगे, यही तो इन गरीबों की फितरत है। एक बात और मैं आपको बताऊं, गरीब लोग गेंद की तरह होते हैं, इस तरह आपके हाथ में रखेंगी तो मुलायम रहेंगे, जमीन पर पटक कर मारेंगी तो उछलकर सर पर गिर पड़ेंगे। ठीक है तो क्या करूं बताओ? ये लोग आखिर क्या मांग रहे हैं? नौकरी, और जिस दिन काम करते हैं उस दिन की तनख्वाह। कह दीजिए कि नौकरी मिलेगी। मगर वो लोग माने तब ना? आप हाँ तो कहिए। भाइयों, मैडम जी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आप लोग गौर से सुनिए। तुम लोगों ने जितने दिन काम किया है उसके पैसे नहीं देंगे, लेकिन तुम लोगों की नौकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी। चामुंडेश्वरी जिंदाबाद, चामुंडेश्वरी जिंदाबाद। जोर से जोर से। मैं कह रहा हूं ये जिंदाबाद कह रहा है। यही तो है मैडम गरीबों की फितरत, आधा पेट भर दीजिए बस, आधे घंटे तक जिंदाबाद बोलते रहेंगे। और बोलो, जोर से बोलो। और साथ में कह दीजिए सारे केस माफ करवा देंगी। हां, तुम लोगों के सारे केस भी माफ हो जाएंगे देवी चामुंडेश्वरी जी की। और हां, साथ में पीने का पानी भी आ जाएगा। मैडम जी जिंदाबाद, मैडम जी जिंदाबाद, मैडम जी जिंदाबाद, मैडम जी जिंदाबाद। जुबान फिसल गई। तुम्हारी भी जुबान फिसलती है ना, कहो दे दूंगी। कह दीजिए, कह दीजिए। देखिए कल से आपकी कॉलोनी में पानी भी आ जाएगा। देखो तुम गलती कर रही हो। आप कुछ मत कहिए, एक दिन भी इस तरह जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं। देखो मेरा रंग काला है लेकिन मेरी फितरत हरगिज काली नहीं है। सही कहा, रंग कृष्ण का, फितरत कंस की। चामुंडेश्वरी जिंदाबाद, चामुंडेश्वरी जिंदाबाद, चामुंडेश्वरी जिंदाबाद, चामुंडेश्वरी जिंदाबाद, चामुंडेश्वरी। आह, नौकर को गोद में उठाने से मना किया था, देखिए तो कैसे तड़प रही है। मेरी कमर भी दर्द है। तेरी पतली कमर तेरी तिरछी नजर में। उन्हें कम से कम 6 महीने तक रेस्ट करने की जरूरत है। नहीं नहीं, 2 महीने काफी होंगे। उन्हें सीवियर पीठ का दर्द है, फौरन अस्पताल में दाखिल कराना होगा। मतलब इसी बहाने अस्पताल में दाखिल करवा कर पैसे ऐठना चाहते हैं? हुई इसी। आई इज रामू, मैं किसी से कम नहीं हूँ, सालाना 300 रुपए तनख्वाह लेता हूँ मैं। मैडम की कमर 3 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं। कैसे? जान निकाल कर। हेलो, जान देना जानता हूँ लेकिन जान निकालना मुझे नहीं आता। तुम लोग यही रहो, 3 मिनट में देखो क्या होता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? जिस रोज यहाँ आया था तो क्या कहा था, घर का काम, बाहर का काम, अंदर का काम सब करना है ना। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ अंदर काम करने के लिए। चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैं। हाँ, जब कोई अंदर का काम करता है तो बाहर वालों को देखना नहीं चाहिए। आप यही रहिए ना। ये क्या करने वाला है? दरवाजा क्यों बंद किया? आपके लिए तो बंद किया है। तुम क्या करने वाले हो? थोड़ी देर सब्र कीजिए ना। अरे ये क्या कर रहे हो? बिस्तर पर क्यों चढ़ रहे हो? बिस्तर पर चढ़े बगैर कैसे कर सकता हूँ? लेटे रहिए। जय बजरंग बली की। बाप रे, क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनिए, आंखें बंद कीजिए, घरेलू इलाज है। किस लिए? मुझे सताइए मत, खामोशी से लेटती है या नहीं? आराम से हाथ हटाइए। जय बजरंग बली की। हमारी शादी हुए 20 साल हो गए लेकिन ऐसी चीख नहीं सुनी थी। ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? चलो देखते हैं। मालकिन अब उठिए। अरे नीचे उतरिए। हाँ, अब आप दुरुस्त हो गई हैं मालकिन। हाँ, अब जरा झुकिए, झुकिए। हाँ, अब उठिए, बैठिए। हाँ, फिर से उठिए। हाँ, अब सब ठीक हो गया है। अब जाकर उस दरवाजे पर लात मारिए, मारिए ना। आइए मारिए, मारिए ना। थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना। अरे हट, मर गया। क्यों मालकिन, अब कैसी हैं? गायब, दर्द गायब। ये है बजरंग बली का कमाल। रामू, आज से तुम्हारी प्रमोशन पक्की। मालकिन, मैंने क्या जुल्म किया है? प्रमोशन यानी नौकरी से तरक्की करके बड़ा बना रही हूँ। अच्छा, मैं बड़ा हो गया, 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 बड़ा हो गया। अरे रुको, क्या हुआ? मैं बड़ा हो गया। अरे भाई, तुम बड़े हो गए हो। ओफो, रामू तो बड़ा हो गया है, न जाने मैं कब बड़ा होऊंगा। हाँ, अगले जन्म में कोशिश करना। इसीलिए तो मुझे गुस्सा आता है। जल्दी से नाश्ता तैयार करो वरना मैडम को गुस्सा आ जाएगा। रामू, क्या है मालकिन? इतने सालों से जो दर्द था तुमने दुरुस्त कर दिया। अब ये लो, 5 रुपए रख लो। दादाजी, ऐसे क्यों चीख रहे हो? आपने पैसे दिए तो दादा की याद आ गई। अगर आप इजाजत देंगी तो मैं जाकर दादाजी के हाथ में ये 500 रुपए का नोट रख कर जैसे झट से जाऊंगा वैसे फट से वापस आ भी जाऊंगा। ठीक है, जा। जय बजरंग बली की। बड़ी मुश्किल से ये 500 रुपए मिले हैं, जल्दी से जाकर जल्दी से वापस आना पड़ेगा।
मेरी मॉम बड़ी कंजूस है, उस कमर दर्द की खातिर आज तक लाखों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 500 रुपए दिए। ये 5,000 लो, अपने दादाजी को दे देना। अरे बाप रे, आपके जिस्म में ही नहीं आपके हाथों में भी खूबसूरती है। उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ शुक्रिया, इजाजत दीजिए। हेलो हेलो मामा जी, मैं रामू। तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ, दादाजी को फोन दीजिए। दादाजी अभी बाहर गए? ओफो, बाहर निकल गए। क्यों, ज्यादा जरूरी है क्या? कुछ खास नहीं, मैं ट्रेन से वहाँ आ रहा हूँ, दादाजी को बोल दीजिएगा, भूलिएगा मत। इंटरसिटी से था? ठीक है, मैं बोल दूंगा। हाँ ठीक है, रखता हूँ। मैं जान गई। क्या जान गई बेटी? रामू आ रहा है ना? नहीं तो, कुछ अफसर आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए। आपने रामू कहा, मैंने सुना। सुन लिया तो फिर पूछ क्यों रही है, वो वाकई में आ रहा है। सच में? अरे अरे अरे, कहाँ चली? राम देवता को खबर देने। शिव शंभू, ये क्या सांप से बात कर रही हो? सांप मत कहिए, आंखें चली जाएंगी। नागेंद्र देव हैं मेरे दोस्त, मैंने प्यार से शिव शंभू कहती हूँ। चल शिव शंभू, कुछ बोलते क्यों नहीं, उठे भी हो या नहीं? तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। ए शिव शंभू, आज मेरा राम आ रहा है, मालूम है? आते ही उससे बता दूंगी कि मुझे उससे मोहब्बत है। क्यों री, क्या बताने वाली है? मेरे और शिव शंभू के दरमियान हजारों बातें होती हैं, सब तुम्हें क्यों बताऊं? तुम अपना काम देखो। ये अंडा शिव शंभू को दे देती हूं। अंडा फोड़ कर डालो, नहीं तो शिव शंभू को चोट लग जाएगी। लाख लाख शुक्र है, वरना आमलेट बनाने को कहती। आमलेट भी बनाओगी तो पीला वाला मत डालना, उसमें चर्बी की वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है। ये कैसा दीवानापन है, लेकिन शहर में रहने वाला तेरा रामू गांव में रहने वाली तुझसे शादी करेगा क्या? श्री शंभू, ये रामू के बारे में कुछ कह रही है, चलो डसो डसो। बाप रे, बचते लड़की, तेरा रामू तुझसे ही शादी करेगा। अरे देख, रेल के आने का वक्त हो गया। अच्छा श्री शंभू, बाय। अरे तुम्हें मालूम है, आज मेरा रामू आ रहा है। कहाँ गए लो? ये क्या, सब लोग कहाँ गायब हो गए? क्या बताऊँ, लड़की ने फ्लैशबैक सुनाना शुरू किया। क्या देख रही हो बहन? गाड़ी तो आ गई, पर रामू क्यों नहीं आया? आ तो गया, लेकिन तुम्हें देख के डब्बे के उस तरफ से भाग गया। उसकी ये मजा। बच गया, आ गई। लेकिन मुझसे पहले वो कैसे आ सकती है? अरे बाप रे, इसकी मुझे देखकर हंसने की उम्र तो नहीं है। इसकी हंसी उसकी हंसी में कोई फर्क तो नहीं है? लगता है मुझ में कोई फर्क है, दाई और पीछे की ओर सब कुछ तो दुरुस्त है, फिर क्यों हंस रही थी? अरे बाप रे, रामू। अरे मुझसे पहले तू यहाँ कैसे हाजिर हो गई? इस गांव में तुम्हें एक रास्ता मालूम है तो मुझे 15। अच्छा ये बता, तू टोकरी के नीचे क्यों घुसी? तुझे अपने जाल में फंसने के लिए। हंस मत, थोड़ी देर अगर हम दोनों इस तरह टोकरी के नीचे रहेंगे ना तो मालूम है क्या होगा? क्या होगा? हेलो, सिगरेट पीना छोड़कर आप मुझे कार की चाबी देंगे? तू कार ड्राइवर नहीं लगता। तो क्या, घर का दामाद लगता हूँ मैं? इतना लालच ना कर, ये ले चाबी। तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? राशन कार्ड भी है, कहो तो दिखा दूँ? रास्ते में किसी ने पकड़ लिया तो दिखा देना। हेलो, बेहतर होगा एल बोर्ड लगा लो सेफ्टी के लिए। एल बोर्ड लगाना है या लव बोर्ड लगाना है ये मुझे अच्छे से मालूम है। छोटी मालकिन आ रही है, तू साइड हट जा, चल जा, अभी जा, जल्दी जा। आइए मालकिन, आइए। छोटी मालकिन पीछे बैठिए ना। खामोश, मुझे मालूम है कहाँ बैठना है। रामू कार रोको, तुम इधर आओ, मैं गाड़ी चलाऊंगी। लाइसेंस है? लाइसेंस ड्राइवर के लिए है, मेरे लिए नहीं। चलो जल्दी आओ। ये मैं कहाँ फंस गया भगवान। मैडम, अरे मैडम जरा आराम से, अरे छोटी मैडम, अरे आराम से, आराम से जरा, अरे जरा आराम से चढ़ाइए मैडम। अरे बाप रे, छोटी मालकिन अब इस तरफ आ जाइए, आइए जल्दी जल्दी। उतर, नीचे उतर। ये क्या किया तूने?
हादसा हो गया। अच्छा, इसे हादसा नहीं कहते हैं? तुझे गाड़ी के टायर के नीचे कुचल कर जाऊंगा तो वो हादसा कहलाएगा, समझ गए? सुनिए जनाब, गाड़ी वो नहीं चला रहा था, मैं चला रही थी, विजय चामुंडेश्वरी की बेटी माधुरी इंडस्ट्रीज। ओह, आई सी। तुम हो, तुम्हें पहले नहीं देखा, ये मेरी बड़ी भूल थी। देखा होता तो मेरे पिताजी इतने बढ़िया ऑफर को कभी नहीं ठुकराते। क्या बक रहे हो? इन दोनों उंगलियों में से किसी एक को पकड़ो। मैं तुम्हें नहीं छूंगी। मैं कोशिश करता हूँ भाई। ये बढ़िया है। माय गॉड, ये उंगली पकड़ता तो तेरी पिटाई करनी पड़ती, और अगर ये उंगली पकड़ता तो माधुरी को चुम्मा देना पड़ता। बेबी, आई कांट हेल्प यू, तुम्हारे ड्राइवर ने इससे पकड़ा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हेलो ब्रदर, इन दोनों उंगलियों में से एक को पकड़ो, मैं बताता हूँ। मैंने पकड़ी थी ना, अब तुम पकड़ो कुछ नहीं होगा। पकड़ो भाई, पकड़ो। ओह माय गॉड, इस उंगली को पकड़ते तो इसे किस करने की इजाजत दे देता। इस उंगली को पकड़ा, अब तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत? मेरा गला पकड़ता तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलता, लेकिन तूने मेरा गिरेबान पकड़ा। चलिए छोटी मालकिन। देखिए, ये सब घर पर मत बताइएगा। ठीक है। ओह, खून निकल रहा है, एक मिनट रुको। तुम मिनिस्टर की बेटी हो, ये जानकर भी उसने तुम पर हाथ उठाया? क्यों, तुम क्या चाहते हो, उसका कत्ल करवा दूं? नहीं डैड, उसे मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगनी होगी। नहीं, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ और तुम पत्थर की खोई जता रहे हो। इतना ही नहीं, चामुंडेश्वरी जी की बेटी माधुरी के साथ मेरी शादी भी करवानी होगी। वो हमारे दर्जे की नहीं है। माधुरी की खूबसूरती ऑल इंडिया लेवल की है डैड। सुनिए, ये हमारा इकलौता बेटा है, इसकी बात मान क्यों नहीं लेते? ठीक है, उसके लिए एक सीढ़ी क्या, 100 सीढ़ियां भी नीचे उतरनी पड़े, उस विजय चामुंडेश्वरी से मैं हाथ मिलाऊंगा। ओए, निकल बाहर। क्यों सर? पहले धारने चल, फिर बताता हूँ। रामू को क्यों ले जा रहे हैं? तुम दखल मत दो, चाहो तो अपनी मम्मी से बात कर लो। हेलो। हेलो मॉम, मैं माधुरी। पुलिस रामू को गिरफ्तार करके ले जा रही है। मुझे सब मालूम है, मिनिस्टर ने फोन करके बताया था। मैंने कहा आपको जो ठीक लगता है वो आप करिए, तुम ऑटो करके घर आ जाओ। मॉम, आई डोंट लाइक दिस, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। माधुरी, हेलो। यही है ना? यस डैड। जिस्मानी ताकत के साथ दिमागी ताकत भी है शायद। सर, इसकी खबर हम ले लेंगे, आप जाइए। इस बदमाश का सर झुकाकर मेरे बेटे के कदमों में रख दो, वो देखकर मैं चला जाऊंगा। मेरा सर झुकाने की कोशिश की तो यहाँ सबके सर कलम हो जाएंगे। मैं खाना खाकर नहीं जीता हूँ, पूरे मुल्क की सियासत खाकर जीता हूँ। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, असेंबली में बैठने की बजाय तुम पुलिस स्टेशन में बैठे हो, तभी मैं समझ गया। खामोश जनाब, आप जाइए, इसे मैं देख लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे डिस्कशन से ज्यादा एक्शन पसंद है, पहले उसका सर।
सलाखों के पीछे से बात करने वाला नहीं हूँ, अब मुलाकात अदालत में ही होगी। जनाबी अदालत की बात कर रहा है, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? माधुरी, माधुरी आ गई डैड। तो तुम ही हो इसके बाप, रामू को छोड़ने के लिए कहो। माधुरी, जानती हो किससे मुखातिब हो? मॉम, रामू को छोड़ने के लिए कहिए। आप क्या देख रहे हैं, इसे समझाइए ना। डैडी ही नहीं, ऊपर वाला कहेगा तो भी नहीं सुनूंगी। कल तक आप दोनों की तो बनती ही नहीं थी, एक गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए आप दोनों ने हाथ मिला लिया। आई डोंट लाइक इट। इंस्पेक्टर, इसे छोड़ दीजिए। सॉरी। उसने एक्सीडेंट किया था इसलिए गिरफ्तार किया है ना, तो वो एक्सीडेंट मैंने किया था, मुझे गिरफ्तार कीजिए। मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं था, फिर भी मैंने गाड़ी चलाई, मुझे गिरफ्तार कीजिए। उस लड़के ने मुझे किस करने की कोशिश की तो रामू ने उसे मारा, इसकी वजह मैं हूँ, मुझे गिरफ्तार कीजिए। उसे अदालत इस वजह से नहीं ले जा रहे थे हम, यहाँ देखिए, देखिए उसने क्या किया, मुझे यानी हम पुलिस वालों को मारा इसलिए। मैंने भी पुलिस को मारा है, गिरफ्तार कीजिए। क्यों, एक को मारना काफी नहीं था? चाबी दो, जल्दी दो। ये लीजिए। माधुरी मेरी बात सुनो। मॉम, डोंट टच मी। हम दोनों को ले जाकर अदालत में खड़ा कर दो, जो कुछ भी हुआ है अब मैं वहीं जाकर बताऊंगी। मिनिस्टर साहब, बाहर पत्रकार इंतजार कर रहे हैं, हकीकत मालूम हुआ तो आपका ओहदा और हमारी इज्जत चली जाएगी। क्यों जनाब, क्या हुआ? मामूली केस है, चामुंडेश्वरी के ड्राइवर ने हमारी गाड़ी से टक्कर मार दी, मेरा बेटा रिपोर्ट करने जा रहा था, बस इतनी सी बात है, उसे वापस ले जा रहा। नहीं जनाब, आप कुछ छुपा रहे हैं। जी छुपाया, कल चामुंडेश्वरी जी के पावर प्रोजेक्ट का शुभारंभ है, मैं ही करूंगा, वहां मुलाकात होगी। हाँ नमस्ते परमेश्वर राव जी, नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये दो ईंटों के दरमियान लगाई गई सीमेंट नहीं है, हमारे खानदानों की बुनियाद मजबूत हो इसलिए कंक्रीट है। शुक्रिया भाई साहब। और सुनिए, परसों मेरी बेटी की शादी है, आप सब लोग आ रहे हैं, उस ड्राइवर को भी ले आइएगा। वो क्यों? वो जब मेरे बेटे के पैर पकड़ेगा, वो नजारा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हम लोग मिनिस्टर साहब के घर शादी में जा रहे हैं, कोई भी ओछी हरकत मत करना, हमारे स्टेटस के मुताबिक ही रहना। शादी किसी की भी हो, मंगलसूत्र ही पहनाते हैं ना। ये एक्स्ट्रा ही मुझे अच्छा नहीं लगता। रामू गाड़ी रोको। गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे नारियल पानी पीना है, आई लाइक इट। पहले ही काफी देर हो चुकी है और ऊपर से तुम्हारी ये नखरे। रामू तुम जाकर ले आओ। तुम क्यों उतर रही हो? एक मिनट मॉम। कोई बात नहीं, जाने दो, हम दोनों थोड़ा ऐश कर लेंगे अब। ये क्या नई हरकत है आपकी? नहीं हरकत वरकत कुछ नहीं, सोचा थोड़ा चांस ले लूं बस। मौसी बड़ा सा एक नारियल देना। ये क्या, जब चाहे जिसे चाहे ये रिश्तेदार बना लेता है। तुम्हें सासू माँ तो नहीं कहा ना? जॉन ले लूंगी। ये क्या मौसी, लाओ मुझे तो। वाह क्या झटके से काटा है, पानी फवारे की तरफ बाहर निकल आया, इसीलिए तो रामू मुझे पसंद है। ए, हट। एक और चाहिए? ये नहीं, गन्ना खाना चाहिए। खाइए। लेकिन ऐसे कैसे खाएंगे, चाकू तो नहीं है। ऊपर वाले ने इंसान को जब 32 दांत दिए हैं तो चाकू की क्या जरूरत है, लाइए इधर दीजिए। छी, उसका झूठा क्यों खा रही हो? बहुत मीठा है मॉम। स्टूपिड, उसका झूठा है। सो स्वीट। सही में क्या, मुझे भी थोड़ा दो। बस कीजिए, छोटे लोगों की छोटी हरकतें। बैठिए गाड़ी में। तुम भी मुझे ये गन्ने छिलके खिलाओ ना। गन्ने का छिलका नहीं, तेरी खाल उधेड़ता हूँ, चल यहाँ से। ओफो, अब क्या हो गया? लगता है ट्रैफिक जाम हो गया। ए भैया क्या हो गया? आगे का ब्रिज टूट गया है, आज के लिए बस इतना ही, कल सुबह अफसरों की मेहरबानी होगी तभी गाड़ी आगे बढ़ेंगी। लेकिन सारी रात कहाँ बिताएंगे? लॉरी के नीचे थोड़ी जगह होगी, जरा देखते हैं। आप जाकर सोचाइए। वो
वो बिल्डिंग कैसी है? आरएनबी गेस्ट हाउस है। आरएनबी गेस्ट हाउस यानी कि सरकार का है, सरकार का यानी हमारा। चलिए आज रात वहीं बिताते हैं। छोटी मार्किन संभल के चलिएगा, कहीं फिसल के गिर न जाइएगा। ए हाँ छोड़ो माधुरी। माधुरी 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 खड़े खड़े कर क्या रहे, जाकर उसे ढूंढिए। माधुरी माधुरी बाबूजी, इस जंगल में जंगली जानवर भी होंगे ना? नहीं यार, हीरो हीरोइन हाथों में हाथ डालकर सैर करते हैं, बकवास की बात कर रहा है, चुप रहे। चल माधुरी। hey, राजन की तरह क्यों चीख रहा है? सोते हुए जानवर भी उठकर हम पर हमला कर देंगे। मेरी बात सुन, हम लोग यहाँ एक घंटे बैठते हैं, फिर जाकर कह देंगे कोई नहीं मिला। ना मालूम क्यों मुझे डर लग रहा है। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तो मैं डर रहा हूँ। अब चुप भी करो, तुम्हें एक बात बताऊं? क्या? मैं जानबूझकर फिसली थी। वाकई? हाँ। आ, दादा। अरे चीखो मत। छोटी मालकिन, अपनी माँ को सताने का क्या यही तरीका है? कहाँ अगर फंस गया? क्या कर रहे हो? लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ, जंगल में आग लगाने से जानवर करीब नहीं आते, इसलिए। जानवर से ख्याल आया, इस वक्त मेरी माँ क्या कर रही होंगी? जल रही होंगी। माधुरी मिल गई। वहाँ नो एंट्री की तख्ती लगी थी, इसीलिए वापस आ गए। वो रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता तो होगा। जंगल में जंगली जानवर है, इसकी भी तख्ती लगी है। जंगल में जानवर नहीं तो क्या इंसान होते हैं? अहमक, मेरी फूटी किस्मत, आप इस तरह बैठेंगे तो कैसे चलेगा? कुछ कीजिए ना, आधी रात होने को आई है। अरे तो मैं क्या करूँ, तुम हमेशा पैसों की बात करती हो ना, ऊपर वाले को 1,00,000 रुपए दे दो, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा ही कहेंगे, इसलिए मिनिस्टर साहब को राबता कर रही थी मदद के लिए, वो लाइन पर नहीं मिल रहे हैं, सेल भी काम नहीं कर रहा। दिमाग तो दुरुस्त है ना, सुबह बस पकड़ के निकल जाएंगे। माधुरी को छोड़कर कैसे जाएंगे? आप लोग इतना क्यों घबरा रहे हैं? रामू बेहद नेक लड़का है, सारी रात बिटिया की देखभाल करेगा और सुबह ले आएगा। अरे खा लो पान बनारस वाला, खुल जाएगा सबके घर का बंद ताला। अरे खा लो पान बनारस वाला, दे दूंगा मैं बड़े कौन है ये? इसको कहीं तो देखा है मैंने पहले। जिंदा भी है या दोनों मिलकर यहीं पे मर गए? चलो देखता हूँ। अरे उठो उठो, वरना मैं तुम्हें पान से मारूंगा। अरे कौन हो तुम? अरे तुम जिंदा हो? ठीक है, तुम दोनों देखने से तो शहरी मालूम होते हो, अच्छा भला शहर छोड़कर जंगल में क्यों आ गए? वो क्या हुआ कि रात? हाँ बोलो मत, मैं सब समझ गया, तुम दोनों भाग के आए हो, भाग के आए हो, भाग के आए हो। बकवास मत करो, समझे? तुम रुको। अच्छा भाई साहब, हम लोग अभी कहाँ? जंगल में। तुम्हें देखते ही मालूम हो गया कि हम जंगल में हैं। जंगल के सारे रास्तों से वाकिफ हो? अरे तुम जंगल के रास्तों की बात कर रहे हो, मैं तो इस जंगल का शहंशाह हूँ। अजीब इंसान है। जरा रास्ता दिखाओगे? फॉलो मी। तुम्हें अंग्रेजी आती है? शट अप। माय गॉड। टाइम हो गया और माधुरी अभी तक नहीं आई। मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, मिनिस्टर के घर पहुँचना है, मैं बस से चली जाऊंगी। माधुरी के आते ही आप लोग साथ में आ जाइए। जरा सब्र तो करो। मार्किन वो देखिए। कहाँ चली गई थी तुम? शुक्र है आ गए। अरे वो लोग आए नहीं, मैं बताता हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं, वो जंगल में बेहोश पड़े थे। कौन हो तुम लोग? अरे ये छोड़िए, पान बेचता हूँ, ये बताइए आपकी बेटी है क्या? हाँ। और ये आपके दामाद है? खामोश, हमारा नौकर है। है गबरू जवान है। जब मैं रात को एक क्वार्टर चढ़ाकर सो गया, सुबह उठकर देखा तो पहली रात की तरह दोनों हाथ में हाथ डाल के, पैरों पे पैर डाल के, दोनों लिपटे हुए सो रहे थे। सही कहा कि नहीं बताओ? उसके बाद? और उसके बाद जो होना था हो गया। ये क्या चीज है भाई, मुझे बख्श दो। स्टॉप इट, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे जब दोनों लिपट के सो रहे थे वो गलत नहीं था, मैंने कह दिया तो बकवास हो गया क्या? मेरा मुंह आकाशवाणी की तरह, जब तक दूसरों से कह नहीं देता सुकून हासिल नहीं होता। कहाँ है लोग? कहाँ है? अरे बताऊंगा, सबको जाके बताऊंगा। अरे अरे, 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 अरे सब लोग आ जाओ, मैं सबको पहली रात की दास्तान सुनाता हूँ। ये लो, आप भी क्वार्टर वाले हो, लिया है रख ले।
ये क्या बहन, इतना परेशान कर दिया। कल सुबह निकलने वाली थी ना, फिर क्या हुआ? सच बताएं या फिर हम झूठ बताएं? तुम पुलिस स्टेशन में और अदालत में हकीकत ही बताते हो ना, फिर शादी के मंडप में झूठ बोलोगे? बो? चलिए क्या बताओगी तुम, चलो। हाँ, ये चाहे वो बताए या मैं, उसमें छुपाने वाली क्या बात है। रास्ते में एक पुल टूटा और ट्रैफिक जाम हो गया, इसलिए तो कार और गाड़ियां भिजवाई थी मैंने। आप लोग कहाँ थे? वो अरे मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। मामा जी से संभालिए। अरे मेरी बात सुन, बेचारे ने पी रखी है। अरे चल चल। अरे दारू की बात है तो मैं बता दूं। क्या क्या बताएगा? अरे हकीकत बता रहे हो। क्या बताएगा? अरे वही जंगल में मंगल था, हाथों में हाथ पैरों में पैर लिपटे हुए अगर थे। कुछ नहीं बताएगा तो अरे नहीं बताऊंगा तो बुरा मान जाएंगे। लोगे तो हम भी फील करेंगे ना। अरे तेरी बात अलग है भाई। हे, जाके एक पैग और मार ले जा। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ कोकोनट टू ड्रिंक दिस नाउ? If possible, get some lime soda also, okay? क्यों यार? हंस क्यों रहे हो यार? भैंस पे पानी गिरने से जैसे बेफिकर खड़ी रहती है, वैसे ही ये खड़ा है। अब तुम अंग्रेजी में बोलोगे तो इसे क्या समझ में आएगा? अरे मैं हिंदी में बताता हूँ, बोलो बाबू। I understand, sir. You want to get me a coconut? Is that all? So that you can mix it with some gin and swallow it with your dirty little mouth in spite of this auspicious occasion. क्यों बाबू, खामोश क्यों हो गए? मुझे अंग्रेजी आती है या नहीं ये बड़ी बात नहीं है, सामने वाले की कुव्वत जानकर ही अल्फाज निकालना बड़ी बात होती है। देखो, डिग्री हासिल करके भी नौकरी नहीं मिली, इसलिए सरकार से पंगा लेने वाला हूँ। मुझसे पंगा मत लेना। आई रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ लेबर, नॉट मिनिस्टेरियल पावर, ओके? अभी मैंने जो मोरल पैक तुम्हें दिया है उससे नशा चढ़ गया होगा। कोकोनट की कोई जरूरत नहीं है। बाय। आप लोग रात को कहाँ थे? मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ। अरे बोल दे दीजिए ना। अरे कोटा पूरा हो गया क्या? दारू खत्म हो गई। मैं और लेकर देता हूँ, मेरे साथ चल। मैं आगे चल रहा हूँ। तुझे कितनी दफे कहा कुछ मत बताना। कैसे नहीं बताऊंगा, हाथों में हाथ डालकर पैरों पे पैर डालकर जंगल में। अच्छा दारू है, तुझे ये दारू कहाँ से मिली? राम पीने से हकीकत बाहर आती है, हाथों में हाथ डालकर। उधर कहाँ जा रहा है? चल बाहर जा, बाहर निकल बाहर। ए रामू, चल कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, जाना। इसी तरह उसे चिढ़ाया था ना, तब मार खाई थी। अगर दोबारा उसे चिढ़ाया तो मंडप में ही मारेगा। संभल कर रहना। हेलो, जानबूझकर तुझे क्यों बुलवाया था मालूम है? तुम भला मुझे क्यों बुलवाओगे? गाड़ी चलाने के लिए? हमारे साहब जी हमें हर माह की तनख्वाह देते हैं, इसलिए गाड़ी लेकर आ गया। मेरे बदन पर जो कपड़े हैं वही नहीं, मेरे दिमाग में भी कीमती चीज है। आखिर तुझे क्यों बुलवाया था अब बताता हूँ। हकीकत कहूँ या फिर झूठ कहूँ, बोल। झूठ बोलना असेंबली में बैठने वाले आप जैसों की फितरत है, हकीकत उगलवाना बाहर घूमने वाले हमारे जैसे नौजवानों की आदत। अच्छा, पुलिस स्टेशन में जब तुम हवालात में थे तो माधुरी अंदर क्यों आई थी, ये ना समझने वाला ना समझ नहीं हूं मैं। मैंने आ नहीं पढ़ा, देश की सियासत को पढ़ा है। हाँ, अब मैं मेरे बेटे और माधुरी की शादी की बात का ऐलान करूंगा, तब तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूं। मेरे बेटे के पैर पकड़ने के लिए जब कहा था तो तुम्हारे उस रोष के होश उड़ते देखना चाहता हूँ। ख्वाब देखना बंद करो। तुम सब लोग मेरा नाम अच्छी तरह जानते हो, राम कृष्ण। पूरा नाम है शिव राम कृष्ण। गलती से भी अगर मेरी तीसरी आंख खुल गई ना तो तुम राख हो जाओगे। हाँ, प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब लोग सिर्फ यहां आशीर्वाद देने आए दोस्त ही नहीं है, आप सब लोग मेरे वोटर्स हैं, मेरी बेहतरी चाहने वाले हैं। इसलिए अपनी बेटी की शादी यहां कर रहा हूं। इस खास मौके पर मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विजय चामुंडेश्वरी जी की इकलौती बेटी माधुरी की, मेरे बेटे चिरंजीव अशोक कुमार के साथ बहुत जल्द ही शादी करवाने वाला हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। दो दिन घर पर नहीं थी तो सब डिसिप्लिन भूल गए क्या? वो क्या है नमल की? जिस कलर की साड़ी पहनती हूँ उसी कलर का मैचिंग ब्लाउज पहनती हूँ, तुम्हें मालूम है ना? फिर इस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज कहाँ गया, बोलो। डैड, मॉम की साड़ी का मैचिंग ब्लाउज नहीं है तो इतना हंगामा कर रही है। सुबह पहनकर
शाम को जो साड़ी उतार देती हैं, उसे जितनी अहमियत देती हैं, मेरी जिंदगी का हमसफर चुनने में भी वो उसे क्या उतनी ही अहमियत देंगी? डैडी, मुझसे कुछ भी पूछे बगैर, मेरे दिल में क्या है ये जाने बगैर, सबके सामने मेरी शादी की बात का ऐलान क्यों कर दिया? दिल के एहसासों को तुम्हारी माँ नहीं समझेगी बेटी। तुम्हारी माँ को तो सिर्फ जेवर, घर, गाड़ी, शेयर, किटी पार्टी चाहिए। माधुरी, 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 कितनी नसीब वाली हो तुम, सीधे मिनिस्टर साहब के घर की बहू बनने वाली हो। तुम्हें देखने के लिए शायद मुझे भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अरे, इतनी मायूस क्यों हो? शादी जब होती है तो घर में खुशियां आती हैं, लेकिन मेटल डिटेक्टर रखने की नौबत आ गई है हमारे घर में। वैसे तो शादी में शहनाइयां ही बजती हैं, लेकिन यहां तो सायरन और स्लोगन का शोर है। मैं अपनी बेटी को प्यार से रुखसत करना चाहता था, लेकिन उसकी रुखसती तो बुलेट प्रूफ कार से हो रही है। आज मुझे मौका मिला है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखा, जबान खोलने का मौका मिलते ही कितनी सारी बातें कह दी, इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि जबान बंद रखिए। इस अल्फाज को हमेशा याद रखूंगा। ये क्या छोटी मालकिन, हमेशा झरने की तरह खिलखिलाती रहती हो, आज समंदर की तरह संजीदा हो गई। मुझे एक लड़के से मोहब्बत। हाँ, झटका मत दीजिए, नहीं तो किसी को टक्कर मार दूंगा। गाड़ी रोको। मजाक कर रहा था मालकिन। मैं मजाक नहीं कर रही, मंदिर जाना है, गाड़ी रोको। आरती के वक्त आए हैं, आरती ले लीजिए। एक मिनट पंडित जी। रामू, ये हार मुझे पहनाओ। अरे बाप रे, ये क्या, आप तो पूरी कहानी ही बदल रही हैं। देखिए जी, फुटबॉल खेल सकती हैं, गुल्ली डंडा कबड्डी खेल सकती हैं, लेकिन आप किसी गरीब की जिंदगी से नहीं खेल सकती, कभी नहीं। मैं खेल नहीं रही हूँ, हकीकत कह रही हूँ। मैंने मोहब्बत की है सिर्फ तुमसे, और अगर मैं शादी भी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी मैं। ये आरती बुझने से पहले हमें हार बदलने होंगे, नहीं तो क्या करूंगी मुझे भी नहीं मालूम। लड़की इतनी हिम्मत करके कह रही है तो तुम क्या सोच रहे हो, पहना दो। अगर यहाँ शादी हो गई तो समझ लो गवाही देने के लिए ना आप आएंगे ना आपके भगवान। आखिरी दफे पूछ रही हूँ, हार पहना रहे हो या नहीं? अरे वो क्या है कि छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, नीचे उतरिए। नहीं उतरूंगी। मेरी बात मानकर पहले नीचे उतरिए ना। अरे जब से तुझे देखा है दिल दीवाना हो गया है, जब तुझे देख देख कर तंग आ गया हूँ, टीवी पर भी तेरे भाइयों का प्रोग्राम आ रहा है, इधर दे। जब से तुझे देखा है मैं यहाँ से कूद कर मर जाऊंगी। अरे इसने टीवी पर एंकरिंग कब से शुरू कर दी? अरे मेरा वोट खुदकुशी नहीं कर सकता, अगले चुनाव तक अपने वोट को कूदने नहीं दूंगा बेटा। नहीं, मैं अभी कूद जाऊंगी। सरकार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मालकिन, मालकिन, छोटी मालकिन टीवी में अदाकारी कर रही है। मेरी बेटी टीवी में अदाकारी कर रही है? यकीन नहीं है तो खुद ही देख लीजिए। बेटी तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या मैं खूबसूरत नहीं? बैलेट बॉक्स की तरह खूबसूरत हो, कोई कभी नहीं। फिर मुझसे शादी करने को कहा तो वो इनकार क्यों कर रहा है? क्यों भाई, शादी करने में क्या परेशानी है? मैं कैसे शादी करूं, मैं तो उनका ड्राइवर हूं। देखा देखा, इसी तरह से जिद कर रहा है, मैं कूद जाऊंगी। कूदना नहीं बेटी, कूदना नहीं। नहीं। उससे कहिए कि वो मुझसे शादी करे। शादी कर लो, शादी कर लो भाई, शादी कर लो। क्या सोच रहे हो? ठीक है, मैं शादी करूंगा। चीख कर कहो। मैं तुमसे शादी करूंगा, नीचे उतरो। दो हार लेकर आओ, लोगों की गवाही बनाकर मैं इनकी शादी करा देता हूँ। जूते से मारूंगी। तुम कौन हो, सरकारी एजेंट? इसकी माँ हूँ। एक ड्राइवर मेरी बेटी को धोखा देकर शादी करना चाहता है, और आप लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं। मैंने अगर शादी नहीं की तो आपकी बेटी मर जाएगी। तेरे लिए माधुरी मरने के लिए तैयार है, तू माधुरी के लिए मर सकता है? माधुरी के लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी के लिए ये मरने के लिए तैयार है, इसमें कितनी हकीकत है इसका पता लगाइए। प्राइवेट में एक बात और पब्लिक में दूसरी बात करने की आदत मुझ में नहीं है। उस रोज तू बच गया था, और सर झुका के मार खा ले, नहीं तो मरने तक मारूंगा। अगर पंगा लेना चाहा तो मामला दर्ज कर दूंगा कि पुलिस को मारा है, कैद में मरोगे। माधुरी की मोहब्बत के लिए अगर ऊपर वाले ने माथे पर मरना लिखा है तो मर जाऊंगा। दम है तो मारो। इंस्पेक्टर, जा ले लो इसकी, इसकी बातों में कितनी हकीकत है मेरी बेटी भी देख लेगी। शुरू कीजिए। अरे, अरे ये क्या कर रही है? रामू को मत मारो, चलो यहाँ से।
लेके जाइए मैं ये सब नहीं होने दूंगा। इसको जान से मारोगे क्या? अगर इसे कुछ हुआ तो यहाँ की सारी आवाम को लेकर सीधा असेंबली पहुंच जाऊंगा। सीधी तरह इसे अस्पताल लेकर जाओ। हाँ क्यूरी, सरेआम मेरी इज्जत नीलाम करने के लिए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, बत्ती सी तोड़ दूंगी तेरी। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। आपका ड्राइवर रामू जख्मों को लेकर मेरे अस्पताल में दाखिल हुआ, इलाज करूँ क्या? ओह अच्छा, एक मिनट, उस रामू को अस्पताल में दाखिल करवाया है, इलाज करूँ या नहीं डॉक्टर पूछ रहे हैं। वो मर गया तो मुर्दा घर के पैसे भी नहीं दूंगी, कह दो। मैडम की बात सुनी ना तुमने, रहने दो। फोन मत रखना। रख दो। रामू को कुछ हो गया तो क्या होगा मालूम है? आखिर क्या होगा, नगर पालिका की वैन आकर उसकी लाश को ले जाएगी। उसी वैन में आपकी बेटी की भी लाश जाएगी। खामोश। क्यूरी मुझे धमकी दे रही है, जान से मार डालूंगी। आप मुझे क्या मारेंगी मॉम, मैं खुद मरने के लिए तैयार हूँ। आई रियली हेट यू। मालूम होता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, एक ड्राइवर से मोहब्बत करके दीवानी की तरह कुछ भी बकी जा रही है। चामुंडी ये क्या, आवाज ऊंची कैसे हो गई? रामू को कुछ हो गया तो हाथ भी ऊंचा होगा। ए, अस्पताल में फोन करो, करो ना। हेलो डॉक्टर राव बोल रहा हूँ। मैं माधुरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बोल रहा हूँ। ओह चामुंडेश्वरी जी के पति? नहीं, चामुंडी मेरी पत्नी है। चामुंडी मेरे घर में रहती है, मैं उसके घर में नहीं रहता। आपके अस्पताल में जो लड़का है वो मेरा आदमी है, जितने भी पैसे खर्च हो मैं अदा करूंगा, अच्छे से देखभाल करना, समझ गए? अच्छा सर। अब पागल हो गए हैं क्या? शट अप, पागल तुम हो गई हो, दौलत का पागलपन, शोहरत का पागलपन, उस पागलपन में अंधी होकर इंसानियत भी भूल गई हो तुम। उसके इलाज की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार वो हमारे घर का एक मुलाजिम है। वो सिर्फ तुम्हारा मुलाजिम नहीं है, उससे हमारा क्या रिश्ता है? रिश्ता है, रूह का रिश्ता, इस बात को हमेशा याद रखना। इस तरफ मैं हूँ, उस तरफ कौन है? बाबूजी। चामुंडेश्वरी क्यों रो रही हो बेटा, क्या हुआ? अबे हट। अरे तुमसे नहीं बेटी, सामने वाले को रुलाना चाहिए, हमें नहीं रोना चाहिए। आखिर क्या हुआ ये बताओ। आपकी नातिन हमारे घर के ड्राइवर से मोहब्बत करती है, आपके दामाद जी ने भी उसकी हिमायत की है, जिंदगी में पहली दफा जुबान खोली है उन्होंने। मुट्ठी में मसल दूंगा उस ड्राइवर के बच्चे को। तुम हिम्मत रखो बेटी, तुम उस तरफ फोन रखो, मैं इस तरफ गाड़ी में बैठता हूँ। बाबूजी। बेटी क्यों बेटी, माधुरी भाग गई या मर गई? अपने डैडी के साथ अस्पताल गई है उसे देखने के लिए। इस हॉस्पिटल में बोलो, बम मार के उड़ा दूंगा। अगर एक भी बचा तो समझो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आ चुका है। कहाँ है? एक तो उसके लिए अस्पताल जाकर गलती की, ऊपर से उसे घर भी ले आई। इडियट, अंदर चल। मॉम इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो। नहीं, ले जाओ, ले जाओ। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई झगड़ा नहीं है, जो हाथ नीचे नहीं करेगा उसका हाथ नहीं रहेगा। हे उस आदमी के तुम पांच बेटे मेरे हाथों की पांच उंगलियों की तरह हो। हाय, मुट्ठी में तुझे मसल दूंगा। अपनी इस छोटी उंगली से मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। गुल्ली डंडा खेलने की उम्र है इस बच्चे की, ये हमें नहीं जानता, खत्म कर दूंगा इसे। उंगली पर लट्टू चलाने वाले का खेल देखना चाहते हो? बचपन में ही उंगली पर पहाड़ उठाकर करिश्मा दिखाया था श्री कृष्ण ने, आज वही करिश्मा मैं दिखाऊंगा। क्यों बे, पैसों के लिए तू यहाँ पर आया है? हमारी भांजी की खूबसूरती को देखकर लूटने आया है या जायदाद को देखकर जाल बिछाने आया है? ओए,
तूने जो हरकत की है उसके लिए हमारी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांग, नहीं तो देख तेरा मैं क्या करने वाला हूँ। मैं ये देखने नहीं आया कि तुम क्या करोगे, शुभ मुहूर्त निकलवाने आया हूँ। शुभ मुहूर्त तो निकलेगा तुम्हारी मौत का। ये मौत होती कैसी है? तुम्हारी आंखों में जो खौफ नजर आ रहा है वैसी होती है या गले में अटकी हुई तुम्हारी बातों की तरह होती है? हे, मौत से रूबरू होना ही अगर तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो तेरी जान लेने के लिए इस तरफ मैं हूँ। तेरी जान की हिफाजत करने के लिए उस तरफ कौन है बता? मैं हूँ। ये तेरा पोता है? यानी मुझसे बदला लेने के लिए तूने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है? मैं इसके दिल में बदले की आग जलाता तो अब तक तेरे बेटों में आधे मर चुके होते। इसे बचपन से प्यार करना सिखाया है मैंने। अन्नप्रशन के रोज इसने कलम नहीं पकड़ी, चाकू पकड़ा था। इसने चाकू पकड़ा तो क्या लगता है हमारी धोती खुल जाएगी? धोती नहीं खुलेगी, ये तुम्हारी जान ले लेगा। तो इतना मर्द है तेरा पोता? ये अपनी नातिन से पूछ लो। खामोश। इस दहलीज को पार करके मेरी नातिन को ले जाने की मर्दानगी है तुझमें? ले जाने के लिए ही तो आए हैं। पांडवों ने 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास किया था। मैं और मेरा पोता 13 साल का अज्ञातवास कर चुके हैं। वो लोग राज्य के लिए आए थे, मैं रानी के लिए आया हूँ। रानी के लिए राजा आता है ना कि तुच्छे से नौकर। किस हक से मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो? ए, अनजाने में ना तो मैंने इस घर में कदम रखा है, ना ही अनजाने में मैं माधुरी को लेने आया हूँ। तो क्या ले जाएगा बे? इस तरफ से लड़की उस तरफ जाते जाते लाशें बिछ जाएंगी। तुम सिर्फ तरफ के बारे में ही जानते हो। मैंने डिसाइड करने वाली फैमिली में जन्म लिया है। आज तक तुम्हारे सामने आज्ञाकारी रामू की तरह घूमता रहा, लेकिन हकीकत में मैं दिल में आग को दबा कर रखने वाला अग्निपुत्र हूँ। माधुरी सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने ना कहा तो गले की नसों को काट कर रख दूंगा। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो जान भी ले सकता हूं। 12 तारीख को एकादशी है, उस रोज आकर सबके सामने शादी करूंगा। सुनो, तुम लोग पुलिस को बुलवा लो या फिर मिलिट्री को बुलवा लो। आंधे की मानिंद आऊंगा और तूफान की मानिंद ले जाऊंगा। चलिए दादा। शाबाश मेरे बेटे। तेरह साल के बाद वो बुढ़ा क्यों आया ये भी नहीं समझी तुम? तो क्या करें, उसकी धमकी सुनकर माधुरी को भेज दे? माधुरी को कहीं नहीं भेजोगी, हरगिज नहीं। उसी 12 तारीख को हमारे गांव में हमारे घर में मेरी नातिन की शादी मिनिस्टर साहब के बेटे से होगी। इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारा फर्ज क्या है मालूम है? माधुरी का दिल बदलकर उसे शादी के लिए राजी करवाना। सुनो, इससे पहले कि वो भूख हड़ताल करके मरने की कोशिश करे उसे खाना खिलाओ। अचानक कहाँ जाने की तैयारी है? मेरे गांव। किस लिए? मिनिस्टर साहब के बेटे के साथ मेरे गांव में माधुरी की शादी करवाएंगे, पिताजी ने ऐसा कहा है। सुना नहीं? मुझे ऐसी बातें सुनाई नहीं पड़ती। शादी में आप भी आ रहे हैं? नहीं आऊंगा। नहीं आएंगे तब भी शादी नहीं रुकेगी। अगर आएंगे तो माधुरी के पिता बनकर शादी के मंडप में बैठ सकते हैं, नहीं तो सिर्फ दावतनामा में ही रहेगा आपका नाम। टिकट प्लीज। ये क्या, वही टिकट है? तीसरा कहाँ है? मैं और मेरा पोता दो ही तो हैं। लेकिन उस लड़की ने कहा कि आपके साथ है वो। ये क्या है? सब लोग हमें ही देख रहे हैं, अपनी सीट पर जाकर बैठो। मतलब मैंने जो वादा किया है वो निभा नहीं पाऊंगा, यही समझ रही हो ना? मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही, मुझे पूरा यकीन है। मेरी बात मानो, मैं ये चैन खींचता हूँ, तुम उतर जाना। खींचने से पहले ही मैं ट्रेन से कूद जाऊंगी। ऐसा मत कहो। मंदिर के ऊपर से कूदने वाली के लिए चलती ट्रेन से कूदना कोई बड़ी बात नहीं है। I don't like this. I like this. तुम्हारा टिकट मैं ले चुका हूँ बेटी, फाइन भर के। छे, ये ट्रेन हर स्टेशन पे रुके बिना सीधा यहाँ आकर रुकती तो कितना अच्छा होता। Thank you.
आखिरी मरतबा आपसे पूछ रही हूँ, आप आएंगी या नहीं? तुम 1,00,000 बार बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा मैं। ओफो, छोड़ना ही नहीं। कुछ लोग बात समझना नहीं चाहते तो क्या करे। दामाद जी बाद में आएंगे, पहले लड़की को लेकर आओ। ए, माधुरी को ले आओ। सुनो, माधुरी को लेके आओ। तुम दोनों हाथ हिलाते हुए आ रही हो, माधुरी कहाँ है? नहीं है, नहीं है। क्या हुआ? कह रही थी कि रामू के साथ नहीं भेजेंगे तो मर जाऊंगी, इसलिए पीछे के दरवाजे से भेज दिया। क्या कहा? पीछे के दरवाजे से भेज दिया? मरने दो बेटी, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाले का मरना ही बेहतर है। 13 साल वनवास करके आए थे ना, अब कहाँ तलाशेंगे उन तीनों को? बोलिए, मैं पता लगाती हूँ। रहम करके सब लोग थोड़ी देर खामोश रहिए। माधुरी को वो लोग कहाँ लेकर गए हैं? बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे पागल बनाकर उस बुड्ढे से हाथ मिलाकर रामू को घर में लाकर रखवाया था ना आपने, है ना? ना कहूं तो तुम क्या मान जाओगी? मुझे जो जवाब चाहिए वो ये नहीं है, माधुरी को वो लोग कहाँ लेकर गए हैं ये बताइए। बता दूं तो तुम्हारे घर में कोई मर्द है जो उसे वापस ला सके? जरूर लेकर आएंगे, बताइए। दीदी रुक जाओ। अब वाकिफ है मेरी फितरत से, मैं हार जाऊं इससे बेहतर मरना पसंद करूंगी। नहीं बताए तो अपनी जान ले लूंगी, बताइए। ये प्रभावती आ रही हूं। क्या बात है बेटी, तुम मायूस क्यों हो? हा? ये कौन है मालूम है? MRO मतलब कलेक्टर के बाद जो कलेक्टर है उतना बड़ा। हम सब है ना, डरने की कोई बात नहीं। तुम खुश रहो बेटी, हम है ना, अंदर जाकर आराम करो। रामू हुँ? मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना? नहीं, जितनी हिम्मत से मैंने हमारी शादी की बात तुम्हारी माँ से की थी, उतनी ही हिम्मत से तुम भी मेरे लिए अपनों को छोड़ कर आई हो। आई रियली लाइक यू। आओ, एक मिनट, तुम्हारी पसंद की चीज लेकर आता हूं, यहीं रहना। मैं रुक्मिणी हूँ और तुम? माधुरी। बाप रे, बड़ा मुश्किल नाम है तुम्हारा, ऐसा नाम क्यों रखा? रामू ने कहा था मेरी पसंद की चीज लाएगा, क्या लेकर आएगा वो? रामू तुम्हें इतना पसंद है? पसंद नहीं होता तो यहाँ तक क्यों आती? कितना पसंद है? पहले इतना, बाद में इतना, और अब इतना। शिव शंभू, हो कि नहीं? मेरे रामू के लिए मैं स्टेशन गई थी तो रामू के साथ एक छोकरी भी आटप की, उसे देखने से दिल जल रहा है। तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है ना? तो पहले उसे जाके डस लो, दांत टूट जाए तो कोई परवाह नहीं, मैं दूसरी बनवा दूंगी, बस जाके डस लो। देखो संभल कर, हमेशा उस लड़की के साथ मेरा रामू भी रहता है। रामू साथ हो तो उसे मत डसना, वरना मेरा रामू तुम्हें खत्म कर देगा। ए मोतिया, अब तक यहीं बैठा है? हमारा जो 15 एकड़ का खेत है वहाँ काम का पहाड़ खड़ा है, जा। शुक्रिया। अगर कोई बीच में आ तो काट के रख दूंगा। अबे तू क्या काटेगा, सबकी अर्थी निकल जाएगी यहाँ से, निकल जा। माधुरी को लिए बिना नहीं जाएंगे। जब तक मुझ में जान है तब तक ऐसा नहीं होगा। तो तुम्हारी जान निकाल कर ले जाएंगे हम लोग। प्रभा बेटे, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मेरे दादा पर किसी की नजर भी पड़ती है तो मैं खामोश नहीं रहता। अगर किसी ने उन्हें छूने की भी कोशिश की तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरी पांचों उंगलियां अगर मुट्ठी बन जाए तो जानते हो क्या होगा? जगा
बेटी। चीख मत, नहीं मारूंगा। ए, तुम लोग मेरी माधुरी के मामा हो, हमारी शादी के वक्त आशीर्वाद देने के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा। ए, अभी अपने भाइयों को यहां से ले जाओ, दबाओ, जाओ जाओ। सुनो, जब अगली मर्तबा आओगे तो कफन साथ लेकर आना, तब शायद तकदीर साथ ना दे। दफा हो जाओ। सब लोग अच्छी तरह से सिकाई करवा लो। क्यों डॉक्टर, क्या लगा रहे हो? मर्दानगी बढ़ाने की अगर कोई दवाई हो तो हमारे इन पांचों बेटों को दे देना। ये क्या पिताजी, एक मर्तबा उसके हाथों से मार खाने से हमारी मर्दानगी चली नहीं, वो हमारे हाथ जरूर आएगा, हम उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। नहीं बाबूजी, पहले ही वो आपकी हड्डी पसली तोड़ चुका है, उससे पंगा लोगे तो मेरी तरह बन जाओगे। अबे हट। हाँ? ये मिनिस्टर इस वक्त यहाँ क्यों आ रहा? किसने बुलाया बेटी से? मैंने। क्या जरूरत थी, पहले से ही हम लोग मुसीबत में है। नमस्कार, आइए। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मालूम होता है ज्यादा चोट लगी, बच्चे ने खूब मरम्मत की है साहब। ऊपर से बच्चा नजर आता है लेकिन अंदर से पूरी ताकत है उसमें। ये तो तुम्हारा किया करा है, मैं तुम्हारे आंगन में हूँ लेकिन मेरी हुकूमत मेरी मुट्ठी में है। जब सत्ता हाथ में है तो हथियार लेने की क्या जरूरत। माफ कीजिएगा, मेरे पास एक कानूनी पॉइंट है, उससे हमला कीजिए। आइए मैडम। कलेक्टर साहिब आ रही हैं। नमस्ते मैडम। नमस्कार, यहाँ रामचंद्र जी कौन है? मैं हूँ मिस्टर शिवराम कृष्ण। मैं हूँ। नमस्ते। नमस्कार, आप दोनों पर अगवा करने का मामला दर्ज हुआ है। किसने किया है? मैंने। मेरी बेटी माधुरी नाबालिग है, 12 तारीख की सुबह 10 बजे ही वो बालिग हो जाएगी। लड़की को धोखे से यहाँ तुम लोग लेकर आए हो, इसलिए मैंने तुम लोगों पर केस किया है। माधुरी अपनी मर्जी से हमारे घर आई है। आप मुजरिम के परिवार वाले हैं, आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। नहीं मानेगी तो कैसे चलेगा, वो खुद हमारे साथ आई थी, नहीं तो जान देने की धमकी दे रही थी। तुम पे केस हुआ है, तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी। इन्होंने जो भी कहा वो हकीकत है मैडम, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। माधुरी, डोंट टच मी, आई डोंट लाइक यू। दिखा अपने कैसे जादू किया है इन लोगों ने इस पर। इसमें जादू वादू की कोई बात नहीं है, मैं खुद आई थी। तुम नाबालिग को, तुम्हारी गवाही भी नहीं चलेगी। तो मेरी बात मानेंगी क्या कलेक्टर साहिबा? आप इस लड़की का बाप हो और इस लड़की की माँ का शौहर। मैं और मेरी बेटी मेरे दोस्त के घर आए हैं, इसमें किसी की जबरदस्ती नहीं है। झूठ है ये। जो ये कहते हैं उसे आप झूठ कहती हैं।
और जो आप कहती हैं उसे ये झूठ कह रहे हैं। कलेक्टर साहिबा, इस लड़की पर माँ का जितना हक है उतना पिता का भी है। मेजर होने तक सरकारी नौकर होने के नाते ये मेरे घर पर ही रहेगी। अच्छा, तुम्हें हमारी बेटी को अपने घर में रखकर ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं, हम नहीं मानेंगे। सुनिए कलेक्टर साहिबा, ये लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अगर माधुरी को यहाँ रखेंगे तो उसका ब्रेन वॉश करके रख देंगे। हमारे साथ भेज दीजिए। मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। ए, कैसे रहेगी, यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ रहने से क्या होगा, मैं हूँ ना उसका पिता। माधुरी आपके साथ नहीं, मेरे साथ। सब सत्यानाश हो जाएगा। ओके ओके, आपकी लड़की बालिग होने तक सरकारी देखरेख में रहेगी। और उसके बाद मैडम? उसके बाद वो जिसके पास जाना चाहेगी वो जा सकती है। चलो माधुरी। माधुरी तुम अंदर जाओ। सब लोग गौर से सुनिए, वो इस महीने की 12 तारीख तक सरकारी देखरेख में रहेगी। आप में से किसी को भी उससे बात करने की इजाजत नहीं है। जरूरी काम हो तो सीआई बैनर्जी मुझे इत्तला करेंगे, मैं परमिशन दूंगी तो आप उससे मिल सकते हैं। खाना वगैरह सरकार मुहैया कराएगी। मिस्टर बैनर्जी। यस मैडम। कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हुई तो आपकी जवाबदारी होगी, समझे? ओके मैडम। बात मत करो, कह के खुद मटक के जा रही है। हम लोग बेकार हैं क्या? चलो अपने काम करते हैं। हट, चल हट, हट। अपना नाम बताइए। विजय चामुंडेश्वरी का पति। लोग इन्हें विजय चामुंडेश्वरी के पति के तौर पर ही जानते हैं, ऐसा ही कहिए। सासू माँ, भगवान, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। देखिए पंडित जी, मुझे आपका नाम नहीं मालूम, यहाँ पर सबसे महंगी पूजा कौन सी है? कन्या सूत्र विग्रह, वही पूजा ये करा रहे हैं। इस पूजा को जरा विराम दो, हमारी पूजा शुरू करो। चाहिए तो 1000-2000 ज्यादा ले लो। उस तरफ 100 नारियल तोड़ोगे तो इस तरफ 1000 नारियल तोड़ देना। उस तरफ 1,00,000 फूलों की पूजा करोगे तो इस तरफ करोड़ों फूलों की पूजा करना। अगर नहीं किया ना, ये कौन सा मंदिर है? शिवालय है। फूंक मार दिया तो रामालय में गिरोगे। क्या करोगे, कितना खर्च करोगे, तुम्हारी मर्जी। मेरी माधुरी का मन बदलकर मेरे पास वापस आना होगा। रुपए फेंकने से बदल जाने के लिए मंदिर में रिश्वत लेने वाले अफसर नहीं है मैडम, हम सबका पालन करके हमारी तकदीर बदलने वाले भगवान हैं। पंडित जी, आप चाहे जिसके लिए जो भी पूजा कीजिए, हमें एतराज नहीं। माधुरी घर की बहू बनकर हमारे घर में कदम रखे, यही हमारी ख्वाहिश है। नामुमकिन, चाहूं तो अपनी तकदीर बदल कर अपनी माधुरी को अपने साथ ले जाऊं। सासू माँ, क्यों टेंशन लेकर बेवजह बीपी बढ़ा रही हैं? कल सुबह आपकी माधुरी मेरे साथ होगी, ये भी यकीनी है, और एक साल के अंदर आप नानी बन जाएंगी, ये भी यकीनी है। जाकर बच्चे की देखभाल करने की प्रैक्टिस कीजिए, चाहिए सासू माँ? देखभाल करना हमें ना सिखा, तुझे खटमल की तरह मसल के रख दूंगा। अपनी आवाज ऊंची मत कर, उम्र कम हो जाएगी। तुम्हारे चीखने से डर कर भागने वाला नामर्द नहीं हो, मर्द हूं, जान ले। अगर इस शिवराम कृष्ण के हाथों की ताकत जानना चाहता है तो जिस डॉक्टर ने तेरे बेटों का इलाज किया था उससे पूछ ले, बता देगा। ए रामू, तेरा इलाका है इसलिए जोश में होश खो रहा है, नौकर बनकर हमारे घर में आकर चोरी से मेरी माधुरी को ले गए, और अब तू मुझे आजमाइश देता है? तू नहीं रे, आजमाइश देने वाली मैं हूँ, जिसे मैं चाहती हूँ, और तूने जो मुहूर्त निकाला है उसी में अपनी माधुरी की शादी करवा कर रहूंगी। यस, आई विल डू इट, I will do it. बेटी चामुंडी, क्या हुआ बेटी? चामुंडी, क्या हुआ तुम्हें? पिताजी, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? डॉक्टर बुलाओ, चल दे, हाथ मत लगाओ, हटो यहाँ से। फोन करो। ओए, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना, तुम्हारे गांव पर मैं बिजली बरसा दूंगा। माँ कसम, तुम्हारे पूरे गांव को शमशान बनाकर रख दूंगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी मॉम को दिल का दौरा पड़ा है, मुझे अपनी मॉम को देखना है, मुझे जाने दीजिए। कलेक्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी। फोन करके इजाजत ले लीजिए। देखिए मैडम, मैं इजाजत नहीं ले सकता, माफ कीजिए। अगर इस दरमियान मेरी मॉम को कुछ हो गया तो मैं कलेक्टर से शिकायत कर दूंगी कि मेरी इजाजत मांगने के बावजूद आपने मुझे नहीं भेजा। ये क्या, मुझे जो तरकीब आनी चाहिए वो आप सुझा रही हैं? हेलो, नमस्ते मैडम, मैं सीआई बैनर्जी बोल रहा हूँ। माधुरी की माँ को दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में दाखिल हुई है, ये उनसे मिलना चाहती है। ये सच है? जी मैडम, उनके सारे रिश्तेदार गए हैं, कह रहे हैं सीरियस है। ठीक है, सिक्योरिटी के साथ उस लड़की को ले जाओ और वापस आते ही मुझे फोन करके बताना। ओके मैडम, नमस्ते मैडम, चलो चलते हैं।
यहाँ क्यों रोका? सर, तुम्हें किसने मारा? रामकृष्ण ने। कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारे लिए अस्पताल में फोन किया था। रास्ते में शिवराम कृष्ण ने हमला किया मैडम, हम सबकी खूब पिटाई की और माधुरी को ले गया। वाकई तुम्हारे पास रिवॉल्वर है ना? गोली कहीं माधुरी को ना लग जाए इसलिए हम डर गए थे मैडम। ओह आई सी। डीआईजी साहब, मिस्टर बैनर्जी और इन सभी को सस्पेंड कर दीजिए। ना इंसाफी है मैडम, हम अपनी जान पर क्या किया? माधुरी को बचाया? नहीं मैडम, शिवराम कृष्ण। खामोश माधुरी। मेरी सासू माँ से क्या मिलेगा? क्या दिल्ली में साइट मिलेगी या पुणे में फार्म हाउस मिलेगा या फिर हैदराबाद में प्लॉट? ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होगा। 12 तारीख को हमारी शादी है, पेट भर कर खाना खाकर जाइए। इजाजत दीजिए। इतना ड्रामा अपनी माधुरी के लिए किया था, फिर भी उसे आप लोग यहाँ तक नहीं ला पाए। अरे बाप रे, ओए माँ, जोर से बारिश हो रही है और फिर जवान छोकरा ना जाने क्या कर रहा है। न जाने क्यों परेशान हो रहा हूँ मालकिन। मेरी माधुरी उसकी जाल में फंस गई, कल सुबह न जाने क्या करेगी, ये सोचकर मुझे परेशान होना चाहिए ना कि तुझे। ऐसी बात नहीं है मार्किन, अभी जब बारिश हो रही थी तो छोटी मार्किन खिड़की पे आई थी और रामू हमारे दफ्तर के बाहर खड़ा होकर आपकी कमर को देख रहा था और मेरा सर लट्टू की तरह घूम रहा था और नाच रहा था और बिटिया रानी तीसरी नजर से देखकर अंदर भाग गई। तब से मैं परेशान हो रहा हूँ कि इतनी रफ्तार क्यों मार्किन। अभी अभी तुमने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा मालकिन, मैं तो अभी रसोई घर से आ रहा हूँ। मालूम होता है आपको कुछ ऐसे वैसे ख्याल आ रहे हैं। ये लीजिए कॉफी पी के खुद को ताजा कर लीजिए। चलो जाओ। देखो माधुरी, अब तुम बालिग हो, तुम्हें अपनी मर्जी से फैसला लेने का हक है। तुम अपनी मर्जी से जिसके पास जाना चाहो जा सकती हो। अपनी मॉम के साथ जाऊंगी। मेरी पढ़ाई, मेरी शादी, सब मॉम की मर्जी से ही होगी। मुझे माधुरी से थोड़ी बातें करनी है। बेशक करिए। शुक्रिया बेटी माधुरी। उस रोज तुम जानबूझकर हमारे साथ ट्रेन में आ गई, आज हमें तुम ठुकरा कर चली जा रही हो। उस रोज तुम क्यों आई थी ये नहीं पूछा, आज तुम हमें क्यों छोड़कर जा रही हो मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं बेटी। दादाजी, देखो बेटी, मेरी आंखों में देखकर बोलने का अगर दिल ना करे तो उसके दिल पे देखकर बोलो। हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते, अपनी माँ के साथ चली जाओगी? चली जाऊंगी। कलेक्टर साहिबा, 12 तारीख को एकादशी है, उस रोज मिनिस्टर साहब के बेटे से मेरी बेटी की शादी है, आप जरूर आइएगा। जी अच्छा। चलो बेटी। परमेश्वर साहब जी,
अगर आप भी चलेंगे तो अपने दामाद के पैर धो सकते हैं। दादाजी, ये क्या दादाजी, आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूं। नहीं दादाजी, दिल की बात आप बेशक मुझसे ना बताएं, लेकिन आंखें मुझे बता रही हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे। आपकी आंखों में आंसू आए तो उनकी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा मैं। रामू बेटा, तुम्हारे जोश से मैं वाकिफ हूं, इसलिए माधुरी को आग से नहीं प्यार से जीतने के लिए कहा था। मना किया तो भी पीछे आने वाली नहीं। आज ऐसा क्यों किया यही सोच रहा था बेटा, मैं यही सोच रहा था। अगर कहते कि तुम्हारे साथ रहूंगी तो तन्हा पूरी दुनिया से लड़कर उसे आपके सामने लाकर खड़ा करता। कहती थी प्यार के लिए मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन लेकिन आप मां के साथ चली गई, चली गई, चली गई, चली गई, छोड़कर चली गई। जो वादा नहीं निभा सकते ऐसे लोगों के लिए हम क्यों मायूस हो दादाजी? सुनो ना बेटा। नहीं बेटा, आप मायूस ना होइए। नहीं बेटा, कोई मायूस नहीं होगा। बाबूजी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दूध पी लीजिए। नहीं बहू, ले जाओ। दादाजी, मेरे आंसू पोंछ कर तू यहां रो रहा है? माधुरी को अपनी बहू बनाने की मेरे माता पिता की ख्वाहिश थी ना, मेरी शादी नहीं होगी ये सोचकर, स्वर्ग में वो दोनों कैसे होंगे ये सोचकर आंसू आ गए दादाजी। दादाजी कहा था ना पैसे दूंगी, ले लो। रहने दो बेटी, तुम्हारी मोहब्बत इतनी सच्ची है मुझे मालूम नहीं था। थोड़ा सा चावल दे दो, उसमें हल्दी मिलाकर उसी का अक्षत बनाकर आशीर्वाद दूंगी। माधुरी से मिली थी, ये बात किसी से मत कहना। बाप रे, किसी से नहीं कहूंगी। क्या तुम माधुरी से मिलने गई थी? कब गई थी? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, गई थी या नहीं? गई थी। कब गई थी? क्या हुआ वहां? मैं तुझसे पूछ रहा हूं, मुझे बताए बगैर क्यों गई थी वहां? क्या बात है, क्या हुआ? बाबूजी, ये माधुरी से मिलने गई थी, क्या हुआ पूछा तो पता नहीं रही है। तू माधुरी से मिलने गई थी? तुझसे पूछा है, बता। इसका मुंह क्या देख रही है? तुझे मालूम है क्या इसे लेकर कहां गई थी? पता नहीं तो तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। रुको, रुको, रुको। क्यों पार्वती, तुम घर घर जाकर ज्योतिष बताती हो ना, हकीकत बता दू? बताओ। काली माँ की कसम खाकर कहती हूँ, दुर्गा माँ की कसम खाकर कहती हूँ, संतोषी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, भोली भाली हमारी रुक्मणी बेटी अपने रामू को तन मन से मोहब्बत कर बैठी, बड़ी मिन्नतें मांगी थी, पूजा पाठ करवाया था, बेचारी को न मालूम किसकी नजर लग बैठी, भगवान जाने अचानक जाने कहां से एक सौतन आटप की, देर की तो रामू हाथ से निकल जाएगा, अपने दिल की बात बता दे बेटी, उसे समझा बुझा कर सब दुरुस्त कर दूंगी। आज तक मैं कोई शर्त नहीं हारी, रंगोली के मुकाबले में मैं अव्वल आती, गुड्डी गुड़िया का खेल में मैं ही अव्वल आती, सांप सीढ़ी के खेल में सांप डसे बिना कितनी मर्तबा सीढ़ी चढ़ गई थी। ये सब मुझसे क्यों बोल रही हो? मेरे रामू को तुम 6 महीने से जानती हो, लेकिन मैं पिछले 13 सालों से जानती हूँ, मेरे रामू में ही मेरी जान बसती है, पूरे गाँव में हमारी शादी का जिक्र है, सब लोग मुझे रामू की होने वाली कह के चिढ़ाते रहते हैं। जब इसे मालूम हुआ कि इसकी शादी रामू से नहीं होगी तो कनेर का फल तोड़ कर लाई। तुम्हारी परवरिश शहर में हुई है, तुम्हें नहीं मालूम, कनेर कनेर को पीस कर खाने से मर जाते हैं बेटी। (स्थाथ)
रो मत, ये शर्त पे तुम ही जीतोगी, तुम्हारा रामू तुम्हें ही मिलेगा। सच? कसम से, तुम कितनी अच्छी हो। अरे अरे अरे, अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हें डसने के लिए शिव शंभु से कहकर आई थी, जल्दबाजी में आज रात को आकर कहीं डस ना ले। जाकर माधुरी हमारी अपनी है, उसे मत डसना ऐसा कह दूंगी। काकी माँ। मैंने या तुम्हारी माँ ने कभी कहा था कि तुम्हारी शादी रामू से कराएंगे? नहीं। दादाजी ने कहा था? नहीं। तो क्या रामू ने कहा था? नहीं। फिर क्यों हुआ? देखिए ना बाबूजी, इसी की वजह से माधुरी उनके साथ चली गई। क्या रिश्ता है इस लड़की को मालूम हो तब ना? इधर आओ। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, रामू के माता पिता। उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी मालूम है बेटी? दादाजी दादाजी, पूजा खत्म होने तक खाना नहीं खा सकते क्या? क्यों बेटे? बहुत भूख लग रही है दादाजी। थोड़ी देर में श्री रामचंद्र और सीता माँ की शादी हो जाएगी, उसके बाद सब मिलकर बढ़िया खाना खाएंगे। क्या है? क्या रामू? पूजा खत्म होने तक हम कुछ नहीं खा सकते, यहीं पे बैठी रहो, माँ पिताजी की तरह पूजा करते हैं। लेकिन मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं है ना? मामा मुझे भी ऐसा ही मंगलसूत्र दो ना, माधुरी के गले में डालकर पूजा करूंगा। मैंने जिस तरह मंगलसूत्र पहनाकर तुम्हारी माँ से शादी की थी, उसी तरह तुम माधुरी से शादी करोगे तो तुम दोनों मिलकर पूजा कर सकोगे। शर्मिया थी बेवकूफ कहीं की, वो शैतान इस तरह पहना रहा है और तू आंखें फाड़ कर क्या देख रही है? निकाल दे इसे। क्यों रे, मुझ पर हाथ उठाता है? चामुंडेश्वर, ये इसका किया काम नहीं है बेटी, श्री रामचंद्र जी ने इसे ये काम करवाया है। सीता माँ के गले में रहने वाला पवित्र मंगलसूत्र बिटिया के गले में आ गया। इसका क्या मतलब है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माधुरी इसकी बीवी बन गई हो। बहन जी, जब ये दोनों पैदा हुए तभी इनका रिश्ता जुड़ गया, आज तो भगवान के सामने रस्म अदा हो गई। बंद करो ये बकवास, नीचे तोड़ने वाले नारियल को सर पर फोड़ोगे तो सर फट जाएगा। पंडित जी, बच्ची के गले से मंगलसूत्र निकाल कर। पशुपति जी, औरत के गले में जो मंगलसूत्र होता है उसे बस एक ही बार निकालते हैं, इतनी पवित्र जगह पर ऐसी अशुभ बात मत कीजिए। तुम लोग यहाँ शुभ अशुभ की बातें कर रहे हो, हमारी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है? सबका मुस्तकबिल रोशन हो यही ख्वाहिश है हमारी, उसके लिए क्या करें बोलिए। और क्या, कल जब ये लड़का बड़ा होगा तो पैरों की धूल झाड़ने की तरह हमारी बेटी को भी झाड़ देगा, तो इसका क्या होगा? इसीलिए ये जो भी हुआ उसे भगवान को साक्षी मानकर हुआ, ऐसा आप लोग जो बोल रहे हैं ना, इसी वजह से अपनी सारी जायदाद हमारी बेटी के नाम कर देंगे, तब हम सोचेंगे कि उसने जो मंगलसूत्र पहना है वो कच्चा है या पक्का है। मतलब तुम्हें रिश्तों से भी ज्यादा जायदाद बहुत प्यारी है। सुनिए, हमारा सब कुछ हमारा बेटा है, माधुरी हमारे घर की बहू बनेगी, इससे ज्यादा क्या चाहिए? बाबूजी, ये मंगलसूत्र हमेशा इसके गले में रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। जो कुछ आप कहेंगे हम वही करेंगे। ये क्या पिताजी, वो लोग वहाँ पर इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट हाथ में मिल जाने से क्या हम करोड़पति बन जाएंगे? अरे कुछ भी कहो, इतने से बच्चे ने बहन पर हाथ उठाया तो मेरी जान चली गई। ये क्या पिताजी, कुछ बोलते क्यों नहीं है? जरूर बोलूंगा, मैंने 5 बेटों को पैदा किया है फिर भी मुझे ही सोचना पड़ रहा है। अच्छा, आज रात को रथ कितने बजे निकलने वाला है? क्यों, नारियल मंगवाना है पिताजी? आज रात को नारियल नहीं फटेंगे, सर फटेंगे। दादाजी! रामू! रामू! पिताजी! बचाइए!
रामू बेटे, बाबूजी, रामू, रामू बेटे, आजा, आजा, इधर, पिताजी, नहीं, अरे, अरे ये क्या हो गया, बाबूजी, उठो, बाबूजी, उठो, बाबूजी क्या हो गया, बाबूजी, मेरी रामू की शादी माधुरी से बेचारे रथ खींच रहे थे लेकिन इसी बीच भगवान ने इनकी जान खींच ली। अब इसे क्यों खींच रहे हैं? भगवान ने मारा। छोड़ मेरे भाई को, छोड़, छोड़ मेरे भाई को। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो मेरे भाई को, अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे, अरे नहीं, अरे ये सब मेरा बेटा, अरे भाई, नहीं 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 भाई, अरे अरे मेरा बेटा, मुझे बचाओ, बेटा चाहिए, अरे रुकिए, मेरे बेटे को बचाओ, रुकिए, मेरा बेटा है, रुकिए, चल रहा है, मर जाएगा, रुकिए, मेरे बेटे को बचाइए, हमारे साथ चलिए। सुन रामचंद्र राव, अपनी जिद से तूने जो शादी करवाई है उसकी वजह से मेरा भाई मारा गया, इसके बाद पिता भी मर गए, इसीलिए इसीलिए बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने वकील से बात की है कि हम आपको जल्दी छुड़वा लेंगे। नजरों के सामने बेटा और बहू मर गए वो सह लिया मैंने, इससे बड़ी सजा क्या होगी? खानदान का सिर्फ यही एक चिराग है, इसके मुस्तकबिल की ही मुझे फिक्र है। मायूस ना होइए, उन लोगों से दूर ले जाकर उसकी परवरिश करने के लिए मैं भाई साहब से कह दूंगा। हाँ बाबूजी, उसकी परवरिश मेरे पास ही होगी, अब मैं खुश हूँ। इसका क्या करूं दादाजी? जब तुमने माधुरी के गले में पहनाया तब तुमने सात फेरे नहीं लिए थे, रामू, मेरे साथ जो भी नाइंसाफी करेगा उसे डसने के लिए शिव शंभू से कहती थी, लेकिन अब तुम दोनों को अलग किया है इसलिए खुद को डसने के लिए कहूंगी। मेरी मोहब्बत के लिए जान तक देने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे नहीं मालूम था रुक्मिणी, इस जन्म में माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करने वाला बेटा ही बना रहूंगा, अगर अगला जन्म हुआ तो तुमसे शादी करने के लिए उस भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा। क्यों रे, एक तरफ शादी का वक्त हो रहा है और दूसरी तरफ तू रास्ता क्यों नाप रहा है? मैंने सोचा कि कुछ होने वाला है लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए घूम रहा हूँ। अरे भाई वो अभी तक आया नहीं इसलिए उसकी राह देख रहा हूँ। पंडित क्या? अरे नहीं, हाँ? शिव राम कृष्ण। वो क्यों रे, आखिर बात क्या है? भाइयों की खूब पिटाई की, मुझे बख्श दिया, यही सोच रहे हो? बड़े बाबू जी ऐसा नहीं सोच रहे जी, वो लड़का गणेश जी के चूहे की माफिक है, किसी भी बिल से निकाल के छोटी मालकिन को ले जाकर सोच रहे हैं। तुझे इन सब से क्या वास्ता, अपना पान बना जा। अच्छा जी। अब थोड़ी ही देर में तुम्हारा सरनेम बदल जाएगा, नाम बदलने से पहले एक हकीकत बताना चाहता हूँ, अगर नहीं बताऊंगा तो मैं गुनहगार कहलाऊंगा। बचपन में ही तुम्हारी शादी रामू से हो गई थी बेटी, एक मर्तबा मंगलसूत्र पहनने के बाद दूसरा मंगलसूत्र नहीं पहना चाहता, तुम्हारी माँ ने दिल के दौरे का ड्रामा किया था, लेकिन मुझे वाकई हो जाएगा बेटी। Oh!
अरे ये सब क्या हो रहा है? दादा की इज्जत करता हूँ, तुम मेरे दादा नहीं हो, फिर भी उम्र में दादा जैसे हो। वहाँ अंदर माधुरी की जान खतरे में है, हट जाओ। तुम्हारा साथ छोड़कर माधुरी मेरे साथ आई थी, उसे मरने की क्या जरूरत? वापस चले जाओ यहाँ से। देखो अगर माधुरी को कुछ हो गया तो यहाँ एक एक को काट कर रख दूंगा, मुझे जाने दो। सुना नहीं, जाने दो। पूरे मुल्क में इसकी और मेरे बेटे की शादी है, ये कहकर मैंने दावतनामा बटवाया है। बड़े जुलूस की तरह लोग शरीक हो रहे हैं, उनके सामने इज्जत जाने से बेहतर है कि ये मर गई कहकर सहानुभूति हासिल करूँगा। ये मरेगी तो इसकी लाश से मेरे बेटे के हाथों मंगलसूत्र पहनाऊंगा, तेरे हवाले नहीं करूँगा। hey! अपना सर उठाओगे तो तुम्हें आसमान नजर आएगा, लेकिन मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे माता पिता नजर आते हैं। पीछे हटाओ। पिताजी आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माधुरी को जीने दीजिए, आपके पैर पड़ती हूँ। बेटी एक रोज तुम्हीं ने तो कहा था इज्जत जाने से बेहतर है, अपनी जान चली जाए तो जाने दो, मरने दो, तुम्हें क्या। रामू जो भी तुम्हारे दरमियान आए उन्हें जान से मार डालो, वो चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो या मेरा भाई, उन्हें जान से मार दो। अपनी माधुरी को बचा लो। डॉक्टर परेशानी की कोई बात नहीं है, वो अब ठीक है, आप लोग मिल सकते हैं। शुक्रिया। माधुरी बेटी, माधुरी बेटी, आ,
दादाजी। मुझे नहीं बेटी, ऊपर स्वर्ग में जो मेरे बेटे और बहू हैं, उनके आशीर्वाद से ही आज तुम महफूज हो। रामू, जानते हो आज 12 तारीख है, सोमवार एकादशी, इसे पहना दो। रामू, सर पे सेहरा बांधे बगैर दूल्हा कैसे बनोगे? आशीर्वाद देने के लिए तुमसे छोटी हूँ, पर सेहरा बांधने के लिए बड़ी बन जाऊंगी। एकादशी का वक्त गुजरने से पहले ही पहना देना बेटा। आज के बाद तुम मेरी पत्नी कहलाओगी ना? मैं शरारती रामू की सास कहलाऊंगी।